What is descriptive statistics and what are the different methods of descriptive statistics? So let us start. Pandas is a well-established Python library used for the manipulation, processing and analysis of डेटा. पांडास क्या है? पाइथन की लाइब्रेरी है जिसका यूज किया जाता है डेटा के मैनिपुलेशन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, डेटा के एनालिसिस के लिए. राइट, पाइथन पांडास हैज द एबिलिटी टू मैनिपुलेट सम स्टेटिस्टिकल डेटा एंड कैलकुलेट रिजल्ट्स ऑफ वेरियस स्टेटिस्टिकल ऑपरेशंस. तो यहाँ पे जो स्टेटिस्टिकल डेटा क्या होता है, जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन सम सर्वेज, ठीक है, कुछ सर्वे के थ्रू आपने डेटा को कलेक्ट किया. लाइक आपको लिटरेसी रेट पता करना है विद इन अ सिटी और विद इन अ कंट्री, तो आप क्या करोगे, सर्वे के थ्रू आप डेटा को कलेक्ट करोगे. तो सच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज स्टेटिस्टिकल डेटा. राइट, ओके. तो ये जो स्टेटिस्टिकल ऑपरेशंस होते हैं वो मोस्टली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्म करती है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक्स, ओके, लिटरेसी रेट स्टेटिस्टिक्स. राइट, तो यहाँ पे पाइथन पांडास हेल्प करता है क्या करने के लिए, स्टेटिस्टिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए. राइट, ऑन स्टेटिस्टिकल डेटा. राइट, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स आर यूज्ड टू समराइज द गिवन डेटा. डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स की हेल्प से आप डेटा को कम्प्लीटली समराइज कर सकते हो. समराइज मीन्स आप उसका एक रिजल्ट निकाल सकते हो जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है. इन अदर वर्ड्स दे रेफर टू द मेथड्स विच आर यूज्ड टू गेट सम बेसिक आइडिया अबाउट द डेटा. तो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स क्या प्रोवाइड करता है, मेथड्स प्रोवाइड करता है जिससे आप डेटा को क्या कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और उसका एक आउटकम आप निकाल सकते हो. राइट, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिकल मेथड्स दैट कैन बी अप्लाइड टू अ डेटा फ्रेम आर. तो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिकल मेथड्स कौन से हैं जिन्हें हम डेटा फ्रेम पर अप्लाई कर सकते हैं? मैक्स, मिन, काउंट, सम, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, वेरियंस एसेट्रा. राइट, तो वी विल डू दीज मेथड्स वन बाय वन. डिफरेंट स्टेटिस्टिकल मेथड्स को अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर डेटा फ्रेम क्रिएट किया है. ओके, ये हमारा डेटा फ्रेम है. डिक्शनरी की हेल्प से हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है जिसमें तीन कॉलम्स हैं, नेम, एज एंड स्कोर. राइट, सो वी विल यूज दिस डेटा फ्रेम इन आर फंक्शंस. फर्स्ट वे है मैक्स फंक्शन. मैक्स फंक्शन इज यूज फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज. तो मैक्स फंक्शन का क्या यूज है, आपके पास जो गिवन सेट ऑफ वैल्यूज है या उसमें से क्या करेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू जो सबसे लार्जेस्ट मोस्ट वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेगा. और कॉलम ऑफ अ डेटा फ्रेम और सीरीज, या फिर आप डेटा फ्रेम के कॉलम में से या सीरीज के कॉलम में से अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, ओके, सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, तो किसका यूज करोगे, मैक्स फंक्शन का आप यूज करोगे. राइट, सिंटेक्स क्या है मैक्स फंक्शन का, डीएफ क्या है, हमारा डेटा फ्रेम का नेम, ओके, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स कॉलम नेम, जिस कॉलम में से आपको मैक्स वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको जिसमें से सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है उस कॉलम का नेम, डॉट मैक्स फंक्शन. राइट, डीएफ इज द डेटा फ्रेम नेम, कॉलम का नेम, डॉट मैक्स फंक्शन. ओके, यहाँ पे एक हमारे पास एग्जाम्पल है, टू गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कॉलम एज, आपको कॉलम एज की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. तो आपने क्या किया है, यहाँ पे डीएफ क्या है, डेटा फ्रेम का नेम, जो ये आपका डेटा फ्रेम है उसका नेम है डीएफ. ओके, आपने विद इन स्क्वायर ब्रैकेट नेम ऑफ द कॉलम डॉट मैक्स. राइट, तो यहाँ पे देखो मैंने इसको गूगल कॉल ऐप पर एग्जीक्यूट किया था, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर है. देखो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम एज निकल के आ गई 27. तो इसमें हम देखेंगे जो मैक्सिमम एज है वो 27 है. राइट, तो मैक्स फंक्शन की हेल्प से आप डेटा फ्रेम की कॉलम से क्या कर सकते हो, मैक्सिमम जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हो. राइट, और इसके एग्जांपल्स देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल, टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कॉलम नेम, अब कॉलम नेम में से हम क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं. राइट, तो यहाँ पे आपने दिया डीएफ, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉलम का नेम, नेम है जो डॉट मैक्स. अब यहाँ पे देखो आपका जो रिजल्ट आया है वो स्नेहा आया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एस्काई वैल्यूज कंपेयर होंगी अल्फाबेट्स की. राइट, एस्काई वैल्यू कंपेयर होगी, तो आपका देखो एस हैज द हाईएस्ट एस्काई वैल्यू, द आउटपुट इज सो ऑब्टेन्ड. राइट, तो यहाँ पे ए जो कैपिटल ए है उसकी एस्काई वैल्यू क्या है, 60, ऐसे आपकी कंटिन्यू होती रहेगी, जी तक आपकी क्या हो जाएगी, जी की एस्काई वैल्यू होगी 90. तो यहाँ पे जो हाईएस्ट एस्काई वैल्यू है वो किसकी है, एस की है, इसलिए यहाँ पे जो स्नेहा को क्या माना गया है, मैक्सिमम वैल्यू माना गया है. राइट, ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, टू गेट मैक्सिमम वैल्यूज
फ्रॉम ऑल द कॉलम्स ऑफ द डेटा फ्रेम. अगर आपको डेटा फ्रेम के जो जितने भी कॉलम्स है सारे कॉलम्स में से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो सिंपली आपने क्या किया है, df डॉट मैक्स फंक्शन दे दिया है, राइट. तो आपका नेम कॉलम में से स्नेहा आ गया लार्जेस्ट वैल्यू, एज में से 27 लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्कोर 90 लार्जेस्ट वैल्यू, राइट. df डॉट मैक्स फंक्शन, तो यहाँ पे क्या है, कंप्लीट डेटा फ्रेम के जितने भी कॉलम्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम ईच कॉलम निकल के आ गई है. ओके, नेक्स्ट वी हैव मिन फंक्शन. मिन फंक्शन इज यूज फॉर फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज और कॉलम्स ऑफ अ डेटा फ्रेम और सीरीज. तो मिन फंक्शन का क्या यूज है, इसकी हेल्प से आप अगर गिवन सेट ऑफ वैल्यूज है उसमें सबसे छोटी वैल्यू मीन्स मिनिमम वैल्यू को निकाल सकते हो, आप डेटा फ्रेम के कॉलम्स में से मिनिमम वैल्यू को निकाल सकते हो, डेटा फ्रेम या सीरीज के कॉलम में से आप मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, मिनिमम मतलब सबसे छोटी वैल्यू को, राइट. सिंटेक्स क्या है आपका, डीएफ क्या है, डेटा फ्रेम का नेम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम नेम डॉट मिन फंक्शन, राइट. टू गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कॉलम स्कोर, हमें कॉलम स्कोर की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, राइट. तो क्या सिंटेक्स आप लिखोगे, क्या कमांड लिखोगे, df डेटा फ्रेम का नेम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट स्कोर डॉट मिन फंक्शन, राइट. तो इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू है 50 वो यहाँ पे एज अ आंसर आ गई है, राइट. ओके, तो नाउ वी हैव नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कॉलम नेम. ओके, कॉलम नेम में से आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे क्या होगी, एस्काई वैल्यू करेक्टर्स की एस्काई वैल्यू कंपेयर होगी, राइट. तो df नेम, df डेटा फ्रेम का नाम, ओके, नेम क्या है कॉलम का नेम, डॉट मिन, राइट. तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू आई है वो क्या आई है, आरोही आई है, क्योंकि देखो यहाँ पे ए से फर्स्ट ए से स्टार्ट हुए दो नेम, ओके. तो पहले ए ए कंपेयर हुआ, नहीं तीन नेम है, राइट. पहले ए ए कंपेयर हुआ इक्वल है, फिर उसका जो नेक्स्ट लेटर है वो कंपेयर हुआ इसका आर देन ए एंड देन एन. तो इसमें ए की जो एस्काई वैल्यू है, राइट, वो क्या है, स्मॉल है. देखो यहाँ पे स्मॉल ए है तो ये 97 होगा इसका एस्काई वैल्यू, और राइट तो और जो आर है और एन है उनकी एस्काई वैल्यू क्या है, इससे ज्यादा है. तो जो मिनिमम जो सबसे छोटी जो वैल्यू है नेम कॉलम के अंदर वो है आरोही, राइट. टू गेट द मिनिमम वैल्यूज फ्रॉम ऑल द कॉलम्स ऑफ द डेटा फ्रेम, अगर डेटा फ्रेम के सारे कॉलम्स में से मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो सिंपल आप क्या लिखोगे, डेटा फ्रेम का नेम डॉट मिन फंक्शन. तो आपका नेम कॉलम में से सबसे छोटी वैल्यू आ गई आरोही, एज में से 21 आ गई है एंड स्कोर आपका आ गया 50, राइट. ओके, नेक्स्ट वी हैव सम फंक्शन. ओके, सम फंक्शन इन पांडास इज यूज टू एड ऑल ऑफ द वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर कॉलम ऑफ अ डेटा फ्रेम और सीरीज. तो सम फंक्शन का क्या यूज है, इसकी हेल्प से आप किसी भी कॉलम की डेटा फ्रेम के कॉलम की वैल्यूज को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, उनका सम निकाल सकते हो. ओके, सम फंक्शन पांडास इज यूज टू एड ऑल द वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर कॉलम, किसी भी कॉलम के जितनी भी वैल्यूज है उनका आप क्या कर सकते हो, सम कर सकते हो, राइट. सिंटेक्स क्या है, df df डेटा फ्रेम का नेम, ओके, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम नेम डॉट सम फंक्शन, राइट. टू गेट एग्जाम्पल देखेंगे, टू गेट द टोटल ऑफ कॉलम स्कोर, आपको जो कॉलम स्कोर है उसकी वैल्यूज का क्या करना है, सम निकालना है. तो आप क्या करोगे, df, df क्या है डेटा फ्रेम का नेम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट स्कोर, स्कोर क्या है कॉलम का नेम डॉट सम. तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज थी उनका सम निकल के आ गया है आपके पास 795, राइट. सम फंक्शन स्किप्स द मिसिंग वैल्यूज, नल वैल्यूज और एनए वैल्यूज बाय डिफॉल्ट. सम फंक्शन क्या करता है, नल वैल्यूज को स्किप कर देता है, नॉट अवेलेबल वैल्यूज को, एनए मीन्स नॉट अवेलेबल वैल्यूज को स्किप कर देता है, राइट. ओके, अब देखो अगर आप क्या करना चाहते हो, कॉलम नेम का सम करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, इन स्ट्रिंग वैल्यूज है, नेम के अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज है, अल्फाबेट्स है, करेक्टर्स है, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप एडिशन करते हो स्ट्रिंग वैल्यूज का तो क्या होता है, कॉनकैटेनेशन होता है. कॉनकैटेनेशन मीन्स वो ज्वाइन हो जाता है, राइट. तो यहाँ पे देखो df डेटा फ्रेम का नेम, आपने कॉलम नेम लिया नेम डॉट सम, तो आपके पास जो वैल्यूज आई है वो कैसे आई है, कॉनकैटेनेटेड होके आई है, मीन्स सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज थी नेम कॉलम के अंदर वो ज्वाइन होके आ गई है, राइट. तो आपके पास यहाँ पे कॉनकैटेनेशन होगा अगर आपके कॉलम के अंदर वैल्यूज किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है. ओके, नेक्स्ट वी हैव काउंट फंक्शन. काउंट फंक्शन इज यूज्ड टू गेट द नंबर ऑफ वैल्यूज प्रेजेंट इन अ कॉलम और
रो। तो काउंट फंक्शन का क्या यूज है, इसकी हेल्प से आप डेटा फ्रेम के कॉलम्स में कितनी वैल्यूज है उसको काउंट कर सकते हो, या डेटा फ्रेम की रोज में कितनी वैल्यूज है उसको काउंट कर सकते हो, राइट। पर्टिकुलर कॉलम में, पर्टिकुलर रो में कितनी वैल्यूज है आप काउंट फंक्शन की हेल्प से काउंट कर सकते हो। इट काउंट्स ऑल द नॉन एनए एंट्रीज, ओके। और ये क्या काउंट करेगा, नॉन एनए नॉट अवेलेबल एंट्रीज जो होती है, अगर वो है उनको काउंट नहीं करेगा। तो नॉन मतलब जहां पे क्या है, नॉन एनए एंट्रीज, नॉन एनए एंट्रीज मीन्स नॉट अवेलेबल एंट्रीज नहीं है, राइट। फॉर ईच रो और कॉलम द वैल्यू नन, नैन, नॉट अ नंबर एक्सेट्रा कंसिडर्ड एज एन ए इन पांडा। सो बेसिकली क्या कहना चाहता है, जहां वैल्यूज होगी वही काउंट होगी। अगर नल होगा, एन ए होगा, या एन ए एन होगा, एन ए क्या होता है नॉट अवेलेबल, एन ए एन क्या होता है नॉट अ नंबर वैल्यू, राइट, उसको ये काउंट नहीं करेगा, ओके। सिंटेक्स क्या है काउंट फंक्शन का, डीएफ, डीएफ डेटा फ्रेम का नेम, कॉलम नेम डॉट काउंट, ओके। और काउंट फंक्शन के अंदर आप एक्सेस को पास करवा सकते हो। एक्सेस जीरो मींस आप कहां, ये कैसे काउंट करेगा, कॉलम वाइज काउंट करेगा, और एक्सेस वन करोगे तो ये रो वाइज काउंट करेगा, राइट। देखो हियर एक्सेस होल्ड द वैल्यू फॉर जीरो और इंडेक्स विच मींस काउंट फंक्शन इज परफॉर्म फॉर द कॉलम। अगर एक्सेस जीरो है मींस तो ये जो काउंट फंक्शन होगा वो कैसा होगा, कॉलम वाइज होगा, कॉलम का काउंट फंक्शन कॉलम की वैल्यूज को काउंट करेगा, ओके। और बाय डिफॉल्ट भी क्या होता है, एक्सेस जीरो होता है, अगर आपने कुछ भी एक्सेस पास नहीं किया तो वो कॉलम वाइज ही वैल्यूज को काउंट करेगा, और अगर आपने एक्सेस वन पास किया है तो वो क्या करेगा, जो रो वाइज है उसको काउंट करेगा, ओके। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, टू गेट द टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज फॉर नेम कॉलम, नेम कॉलम में कितनी एंट्रीज है हमें काउंट करनी है, तो डीएफ, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नेम डॉट काउंट फंक्शन, सिंपल आपके पास एंट्रीज आ गई, नंबर ऑफ एंट्रीज 11, राइट, नंबर ऑफ एंट्रीज है आपके पास 11। नेक्स्ट, टू गेट टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच कॉलम, अगर आप चाहते हो जो डेटा फ्रेम है उसके जितने भी कॉलम्स हैं, राइट, उसका क्या आ जाए, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाए, राइट। तो यहाँ पे देखो एक्सेस हमने कुछ भी नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट एक्सेस क्या होगा, जीरो एक्सेस, जीरो एक्सेस मीन्स कॉलम एक्सेस, तो ये कैसे काउंट करेगा, कॉलम वाइज काउंट करेगा। तो यहाँ पे देखो नेम कॉलम में कितनी वैल्यूज है, 11, एज में 11 एंड स्कोर में 11 वैल्यूज है, ओके। और अगर आपको रो वाइज वैल्यूज को काउंट कराना है तो आप क्या करोगे, एक्सेस वन दोगे, टू गेट द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच रो, तो आप क्या कमांड दोगे, डीएफ डॉट काउंट फंक्शन, और काउंट फंक्शन में आपने एक्सेस की वैल्यू क्या दे दी, एक्सेस इक्वल्स टू वन, राइट, वन मींस रो वाइज, ओके। तो यहाँ पे देखो रो वाइज 3 वैल्यूज आ गई है, ओके, ईच रो में कितनी वैल्यू है आपकी 3, राइट। Now we have mean function. The mean function in Python pandas is used to calculate the arithmetic mean or average of a given set of values or number. तो mean function का क्या use होता है, इसकी help से आप values का क्या निकाल सकते हो, average निकाल सकते हो, उनका mean निकाल सकते हो, mean of a data frame, data frame की value का mean निकाल सकते हो, mean of columns and rows of the data frame. तो mean क्या होता है, mean क्या होता है, जैसे आपके पास मान लो 4 values है, राइट, तो आप क्या करोगे, उन 4 वैल्यूज को आप उन 4 वैल्यूज का एडिशन निकालोगे। जैसे मेरे पास 4 वैल्यूज है, मैं उन 4 वैल्यूज का एडिशन निकालूंगी, राइट, मैंने कोई भी रैंडम वैल्यू ले लिया और इनको डिवाइड कर दूंगी टोटल नंबर बाय 4, राइट, इनका एडिशन किससे डिवाइड होगा, 4, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है, 4, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं, राइट। द सिंटेक्स ऑफ मीन इज, मीन फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, डीएफ, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम नेम डॉट मीन, राइट, मीन फंक्शन, ओके। पासिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्सेस इक्वल टू 0 इन मीन फंक्शन रिटर्न्स द मीन ऑफ एवरी सिंगल कॉलम। तो अगर आपने यहाँ पे मीन फंक्शन में एक्सेस पास किया 0, तो क्या होगा, जो कॉलम्स है, ओके, डेटा फ्रेम के कॉलम्स है, न्यूमरिक कॉलम्स है, ध्यान रखना न्यूमरिक कॉलम्स है, उनका मीन निकल के आ जाएगा, उनकी एवरेज वैल्यू निकल के आ जाएगी। और अगर आपने एक्सेस 1 पास किया तो जो रो है, डेटा फ्रेम की रोज है, ओके, ईच रो, उनका क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा, ओके, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, टू गेट द मीन ऑफ न्यूमरिक कॉलम्स ऑफ डेटा फ्रेम। अब ये आपको याद रखना है कि जो मीन निकलेगा वो सिर्फ न्यूमरिक कॉलम्स का निकलेगा, और सिर्फ उन कॉलम्स का निकलेगा जिनके अंदर नंबर वैल्यूज है, जिनके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज है, उनका मीन नहीं निकलेगा, राइट। तो आपने यहाँ पे कमांड दिया डीएफ डॉट मीन और एक्सेस पास कर दिया 0, 0 मीन्स कॉलम वाइज, ओके। तो कॉलम वाइज नेम का तो आपका निकलेगा नहीं, एज का मीन निकल के आ जाएगा, एज की जितनी भी वैल्यूज है उनका एडिशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द वैल्यूज, राइट। तो आपका एज की एवरेज वैल्यू आ गई है और स्कोर की एवरेज वैल्यू आ गई है, राइट, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, टू गेट द मीन ऑफ न्यूमरिक रोज ऑफ डेटा फ्रेम,
राइट अब आपने क्या कर दिया, रो वाइज आपने निकालना है एवरेज. ओके तो रो वाइज आपने निकाल लिया df डॉट मीन एक्सिस वन. तो रो वाइज क्या होगा, ये ऐसे करेगा, ये फर्स्ट टू वैल्यूज का एवरेज, देन सेकंड टू वैल्यूज का, थर्ड टू वैल्यूज का, करके ऐसे करके आपके पास रो वाइज एवरेज निकल के और यू कैन से मीन निकल के आ गया यहाँ पर. ओके अगर आपको कंप्लीट डेटा फ्रेम का मीन निकालना है, आपने टू गेट द मीन ऑफ द डेटा फ्रेम, सिंपल आपने क्या किया, डेटा फ्रेम का नेम डॉट मीन फंक्शन, राइट, और कोई भी आपने एक्सेस पास नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट कॉलम वाइज इसका मीन निकलेगा, एवरेज वैल्यूज निकलेगी. जो नेम कॉलम है उसमें स्ट्रिंग वैल्यूज है तो इसमें मीन फंक्शन अप्लाई नहीं होगा. एज का आपकी एवरेज वैल्यू आ गई है, स्कोर की आपकी एवरेज वैल्यू आ गई है, राइट. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, टू गेट द मीन ऑफ द कॉलम स्कोर, आपको अगर पर्टिकुलर कॉलम का निकालना है मीन एवरेज निकालनी है तो आपने यहाँ पे लिखा df स्कोर डॉट मीन. तो यहाँ पे स्कोर कॉलम की जितनी भी वैल्यूज है उनका क्या निकल के आ गया है, उनका आपका एवरेज वैल्यू निकल के आ गई. देखो यहाँ पे भी सेम यही रिजल्ट है, सेम यही रिजल्ट है. ओके नेक्स्ट वी हैव मीडियन फंक्शन. मीडियन फंक्शन इन पाइथन पांडास इज यूज टू कैलकुलेट द मीडियन और मिडल वैल्यू ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नंबर्स. तो मीडियन फंक्शन का क्या यूज है, अगर आपके पास एक सेट ऑफ नंबर्स है उसमें से वो क्या फाइंड आउट करेगा, मिडल वैल्यू, जो सबसे बीच की वैल्यू होगी उसको फाइंड आउट करेगा. मीडियन ऑफ अ डेटा फ्रेम, अगर आपको डेटा फ्रेम में से मीडियन निकालना है वैल्यूज के अंदर से, मीडियन ऑफ अ कॉलम, कॉलम वैल्यूज में से कोई मिडल वैल्यू निकालनी है, मीडियन ऑफ अ रोज, राइट. नो सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स है आपका df कॉलम नेम ओके एंड डॉट मीडियन फंक्शन, राइट. तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब मीडियन फंक्शन आप अप्लाई करते हो तो सबसे पहले वैल्यूज अरेंज हो जाती है असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर मींस फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट वैल्यू, और फिर उनके बीच की जो मिडिल वैल्यू होती है वो फाइंड आउट होती है. ओके तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, टू कैलकुलेट द मीडियम ऑफ द डेटा फ्रेम, हमें कंप्लीट डेटा फ्रेम का मीडियन निकालना है, राइट. तो हमने df डॉट मीडियन फंक्शन दे दिया. देखो यहाँ पे नेम का तो निकलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज है, एज, एज की जो मिडिल वैल्यू है, राइट, वो निकल के आ जाएगी. तो यहाँ पे देखो पहले ये अरेंज कर देगा इसको सबसे छोटी वैल्यू से सबसे बड़ी वैल्यू के बीच में. तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 21 है, फिर 22 है, देन 23 है, देन आपका 24 है, 25, 26, 27. तो इसने 24 को निकाल के दे दिया एज द मिडिल वैल्यू, और यू कैन से एज द मीडियन, राइट. ऐसे ही स्कोर जो कॉलम है उसकी वैल्यूज को ये फर्स्ट क्या करेगा, अरेंज करेगा असेंडिंग ऑर्डर में, मींस फ्रॉम स्मॉलेस्ट वैल्यू टू द लार्जेस्ट वैल्यू, और फिर मिडिल वैल्यू को फाइंड आउट करेगा. तो हमारे पास यहाँ पे मिडिल वैल्यू इसकी निकल के आ गई है 77. ओके तो आपने सिंपल क्या यूज किया था, df डॉट मीडियन. तो इसने क्या किया, डेटा फ्रेम के जो भी न्यूमरिक कॉलम्स हैं उनका मीडियन निकाल के आपको शो कर दिया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द स्पेसिफिक कॉलम स्कोर, अगर आपको किसी स्पेसिफिक कॉलम का मीडियन निकालना है तो आप कैसे दोगे, df डॉट लॉक, यहाँ पे हमने लॉक फंक्शन का यूज किया है. ओके आपने डबल कॉलम दिया है, डबल कॉलम किस लिए है, नंबर ऑफ द रोज, राइट, नंबर ऑफ द रोज डिफाइन करने के लिए. तो यहाँ पे ऑल द रोज यू हैव डिफाइंड फ्रॉम फर्स्ट रो टू द लास्ट रो. ओके फर्स्ट रो से स्टार्ट होगा, लास्ट रो तक ये जाएगा, और आपने कॉलम क्या लिया है, स्कोर, मतलब स्कोर की फर्स्ट रो से लास्ट रो तक. ओके और हमने रोज यहाँ पे क्यों लिए, क्योंकि हमें मीडियन निकालना है. मीडियन क्या करेगा, जितनी भी वैल्यूज है सबको अरेंज करेगा ओके इन असेंडिंग ऑर्डर, देन इट विल फाइंड आउट द मिडल वैल्यू. ओके उसके बाद वो क्या करेगा, मीडियन निकालेगा. ओके मिडल वैल्यू को निकालेगा. तो यहाँ पे स्कोर जो कॉलम है उसकी मिडल वैल्यू क्या है, 77 आपके पास यहाँ पे आ गई. ओके नाउ टू कैलकुलेट द कॉलम मीडियम ऑफ द डेटा फ्रेम, अगर वैसे बाय डिफॉल्ट अगर एक्सिस भी नहीं दोगे तो अगर आप df डॉट मीडियम दे दोगे तो भी वो क्या करेगा, डेटा फ्रेम के जितने भी न्यूमेरिक कॉलम्स है उनका मीडियम निकाल के दिखा देगा. लेकिन यहाँ अगर आप देना चाहते हो एक्सिस इक्वल टू जीरो मीन्स कॉलम वाइज, तो आपका यहाँ पे कॉलम वाइज देखो मीडियम वैल्यू निकल के आ गई है 24 एंड 77. ओके नेक्स्ट वी हैव मोड फंक्शन. मोड फंक्शन इन पाइथन पांडास इज यूज टू कैलकुलेट द मोड और द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नंबर्स. आपके पास क्या है, एक नंबर सेट ऑफ नंबर्स है, मतलब आपके पास एक लिस्ट है वैल्यूज की, जिसमें से आप जो मोड फंक्शन है वो क्या निकालेगा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मतलब जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है. ओके सिंटेक्स क्या है मोड फंक्शन का, df कॉलम नेम, जिस कॉलम में से आपको क्या निकालना है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को निकालना है उस कॉलम का आप नेम लिखोगे, डॉट
मोड फंक्शन. मोड फंक्शन के अंदर आप एक्सेस को पास कर सकते हो कि आपको कॉलम वाइज मोड निकालना है या रो वाइज. एक्सेस जीरो मीन्स कॉलम वाइज, एक्सेस वन मीन्स रो वाइज. न्यूमरिक ओनली आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, पैरामीटर दे सकते हो. न्यूमरिक ओनली इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स. अगर ट्रू दोगे तो क्या होगा, वो सिर्फ न्यूमरिक जो कॉलम्स है उनका ही मोड निकालेगा, राइट. और फॉल्स है तो वो क्या है, जो आपके स्ट्रिंग कॉलम्स है, राइट, उसमें भी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को इट विल फाइंड आउट, राइट. अभी मैंने बताया एक्सिस जीरो मीन्स टू गेट द मोड ऑफ ईच कॉलम, एक्सिस वन मीन्स टू गेट द मोड ऑफ ईच रो. नाउ इफ न्यूमरिक ओनली एट्रीब्यूट इज सेट टू ट्रू, अगर न्यूमरिक ओनली आपने ट्रू सेट किया है, मोड इज अप्लाइड ओनली ऑन द न्यूमरिक कॉलम्स. ओके, मोड क्या होगा, सिर्फ न्यूमरिक कॉलम पे अप्लाई होगा. बाय डिफॉल्ट न्यूमरिक ओनली एट्रीब्यूट इज फॉल्स, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, फॉल्स. अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया है तो ये स्ट्रिंग कॉलम के भी मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज को शो करेगा. फाइन, सो हियर वी हैव द एग्जाम्पल टू कैलकुलेट मोड ऑफ स्कोर कॉलम. अगर आपको स्कोर कॉलम का मोड निकालना है, मीन्स मोस्ट रिपीटेड वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या कमांड दोगे, df डेटा फ्रेम का नेम स्कोर कॉलम नेम डॉट मोड फंक्शन, राइट. तो यहाँ पे इसकी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू आ गई 85. देखो 85 यहाँ पे 1, 2 and 3 थ्री टाइम्स रिपीट हुआ है, बाकी इतने नंबर रिपीट नहीं हुए, तो आपकी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू यहाँ पे आ गई है. नेक्स्ट एग्जाम्पल टू कैलकुलेट मोड ऑफ एज कॉलम. एज कॉलम का मोड आ गया आपका, आया है 22. तो 22 आपका देखो यहाँ पे थ्री टाइम्स आपका 22 रिपीट हुआ है, जो सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है, तो आपका एज कॉलम्स में से आ गया 22, राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल टू कैलकुलेट मोड ऑफ नेम कॉलम. अब क्या करना है, हम यहाँ पे नेम कॉलम का मोड निकालेंगे, राइट. मोड क्या है, आप स्ट्रिंग वैल्यूज पे भी, मोड जो फंक्शन है आप स्ट्रिंग वैल्यू पे भी अप्लाई कर सकते हो, राइट. मीन और मीडियन फंक्शन आप सिर्फ न्यूमरिक वैल्यूज पे अप्लाई कर सकते हो, बट मोड फंक्शन आप स्ट्रिंग वैल्यूज पे भी अप्लाई कर सकते हो. तो यहाँ पे df क्या है, आपका डेटा फ्रेम का नेम, ओके, नेम आपका कॉलम का नेम डॉट मोड. तो यहाँ पे जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो क्या है, अर्जुन है. देखो अर्जुन यहाँ पे 1, 2 and 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, बाकी वैल्यूज रिपीट नहीं हुई है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया अर्जुन, राइट. क्योंकि अर्जुन क्या है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, ओके. नेक्स्ट वी हैव क्वांटाइल फंक्शन. क्वार्टाइल्स इन स्टेटिस्टिक्स आर वैल्यूज दैट डिवाइड डेटा इनटू क्वार्टर्स. तो क्वार्टाइल्स क्या है, वो वैल्यू है जो डेटा को, जो भी सेट ऑफ डेटा है, राइट, सेट ऑफ वैल्यूज है, उसको डिवाइड करती है 4 इक्वल पार्ट्स में, राइट, ओके. द क्वांटाइल फंक्शन गिव्स द क्वार्टाइल ऑफ ईच कॉलम और रो ऑफ द डेटा फ्रेम इन 4 पार्ट्स. तो जो क्वांटाइल फंक्शन होता है वो क्या करता है, जो डेटा फ्रेम का जो भी कॉलम है या रो है उसको डिवाइड करता है 4 इक्वल पार्ट्स में, जिसको आप क्या बोलते हो, क्वार्टाइल, ओके. देखो क्वांटाइल फंक्शन क्या करता है, क्वार्टाइल्स में डिवाइड करता है किसको, कॉलम एंड रोज को डेटा फ्रेम के, राइट. That is the first quartile is 25%. जो first part है, या फिर आप कहोगे जो first quartile है वो 25% है. Second क्या होता है, 50%. देखो इतना area आपका हो गया 25%, right? और इतना area आपका हो गया 50%. The third quartile is 75%. फिर आपका इतना area हो गया, मतलब इतनी values हो गया 75% एंड टोटल आपका 100, राइट. तो यहाँ पे क्या है, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड एज क्वार्टाइल्स, राइट. एंड इनको कौन क्रिएट करता है, इनको क्रिएट करता है क्वांटाइल फंक्शन, राइट. द क्वांटाइल फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू एट द गिवन क्वांटाइल्स ओवर रिक्वेस्टेड एक्सेस, एक्सेस 0 और 1. तो यहाँ पे क्वांटाइल फंक्शन क्या करता है, आपको क्वार्टाइल्स प्रोवाइड करता है और अकॉर्डिंग टू द एक्सेस, जो भी आपने एक्सेस उसके अंदर पास किया है, 0 एक्सेस पास किया या 1 किया, 0 फॉर द कॉलम एंड 1 फॉर द रो, राइट. नाउ Q1 इज द फर्स्ट क्वार्टाइल. यहाँ पे देखो Q1 जो हमारा है वो फर्स्ट क्वार्टाइल है, वो कितना परसेंट है, 25%, ओके. Q2 इज द सेकेंड क्वार्टाइल एंड Q2 क्या है आपका, 50% है, 50% है, ओके. ऑल्सो कॉल्ड मीडियन, राइट. तो जो आपका सेकेंड क्वार्टाइल होता है, 50% होता है, उसको आप मीडियन भी बोलते हो, राइट. Q3 इज द थर्ड क्वार्टाइल एंड इट इज 75%, ओके. Now we have terms here, the second quartile are called median. जो Q2 होता है आपका, second quartile होता है, उसको आप क्या बोलते हो, median, right? जो two parts को बना के मिलता है, बनता है quartile, okay, उसको बोलते हैं median, right? The third quantiles are called terciles. जो Q3 होता है आपका, राइट, 75% जो होता है उसको आप क्या बोलोगे, टर्साइल्स, ओके. एंड द फोर क्वांटाइल्स आर कॉल्ड क्वार्टाइल्स. एंड जो फोर्थ, जो टोटल आपका कंप्लीटली 4 पार्ट्स
मिला के बनता है उसको आप क्या बोलोगे, क्वार्टाइल्स। ओके, तो सेकंड क्वार्टाइल क्या हो गया, मीडियन। थर्ड क्वार्टाइल हो गया आपका टर्साइल्स, एंड फोर्थ क्वार्टाइल हो गया आपका क्वार्टाइल्स, राइट। और ऐसे इंक्रीज करते जाते हैं तो दे हैव डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। ओके, अगर आप फाइव पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो दे हैव द डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। सिक्स पार्ट्स आप कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम फोर क्वार्टाइल्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल्स। ओके, now here we have example to implement quantile using the pandas data frame. okay, आप यहाँ पे quantile का हम देखेंगे कैसे implement करेंगे program on quantile। आपने पहले import किया pandas as pd, numpy library को भी हम import कर लेते हैं, pandas library को हमने import किया, right। अब क्या कर रहे हैं, create कर रहे हैं आप यहाँ पे data frame को। okay, df equals to pd dot data frame। data frame function के अंदर आपने क्या, किससे आप create कर रहे हो data frame को, arrays से, right। और यहाँ पे आपने क्या किया, np dot array function के अंदर list को pass किया, तो ये list convert हो जाएगी array के अंदर। okay, ये list convert हो जाएगी in the form of array, और array से आप बना लोगे data frame, right। और आपने columns दे दिए a and b। okay, now you will get the data frame df, आपका data frame df आ जाएगा, आपने data frame df को print करा दिया। तो यहाँ पे देखो आपका data frame df ये है, okay, a and b, राइट। आप यहाँ पे डेटा फ्रेम किसी भी प्रोसेस से, किसी भी मेथड से क्रिएट कर सकते हो, राइट। जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास, अब हमने क्या किया, प्रिंट आपने स्लैशन दे दिया फोर ब्रेक ऑफ वन लाइन, राइट। अब हम क्या करेंगे, क्वांटाइल निकालेंगे डेटा फ्रेम का। आपने दे दिया प्रिंट कमांड डी एफ डॉट क्वांटाइल, और क्वांटाइल में आपने दे दिया 50% 0.5, राइट, 50% क्वांटाइल और मीडियन। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका जो 50 जो ए है, ए कॉलम, उसकी जो वैल्यूज है, ओके, उसका 50% आ गया आपका, देखो 2.5, राइट, 1, 2, 3, 4 का आ गया आपका 2.5, और जो बी कॉलम है उसका 50% आपके पास आ गया 55, राइट, जो भी वैल्यूज है। ओके, तो आपने यहाँ पे मीडियन निकाल लिया, नेक्स्ट आपने यहाँ पे वन लाइन का गैप, देन डी एफ डॉट क्वांटाइल प्रिंट करा दिया इसको 10% 0.1, ओके, एंड 0.25 25%, 0.5 मींस 50%, देन 0.75, ओके। और एक्सिस क्या है आपका, कॉलम एक्सिस है, 0 मींस कॉलम एक्सिस। तो यहाँ पे 25% 50% एंड 75% आ जाएगी जो भी वैल्यूज हैं। अब देखो ए का आपका 10% है यहाँ पे, देन 25%, देन 50%, देन 75%, ऐसे ही बी का 10%, देन 25%, 50% एंड 75%। यहाँ पे ये कैलकुलेशन आपको कुछ नहीं करनी है, यहाँ सिंपली आप फॉर्मूला लगाओगे क्वांटाइल का, आपके पास क्वार्टाइल्स आ जाएंगे, फाइन। नेक्स्ट वी हैव वेयर फंक्शन। द वेयर फंक्शन इन पाइथन पांडास इज यूज टू कैलकुलेट वेरियंस ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नंबर। वेयर फंक्शन का क्या यूज है, इससे आप वेरियंस निकाल सकते हो फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ नंबर, जो भी आपको नंबर का सेट दिया गया है, वैल्यूज का सेट आपके पास है, वेरियंस ऑफ अ डेटा फ्रेम, आप डेटा फ्रेम का वेरियंस निकाल सकते हो, वेरियंस ऑफ द कॉलम एंड द रोज ऑफ द डेटा फ्रेम, राइट। और वेरियंस होता क्या, इट इज द एवरेज ऑफ स्क्वेयर डिफरेंस फ्रॉम द मीन। ओके, ये मैं भी आपको समझाती हूँ क्या है ये, राइट। देखो ये हमारे पास वेरिएंस क्या है, वेरिएंस इज द एवरेज ऑफ स्क्वेयर्ड डिफरेंस फ्रॉम द मीन। तो सबसे पहले जो भी आपके पास वैल्यूज है, राइट, एक आपके पास डेटा सेट है, आपने उसको ऑब्जर्वेशन लिया, जो भी लिया, राइट, उसका आपको क्या निकालना है, सबसे पहले मीन निकालना है। मीन क्या होता है, एवरेज ऑफ द डेटा। तो आपने क्या किया, वैल्यूज को, जितनी भी वैल्यूज है उनको एड किया, एंड यू डिवाइडेड दीज वैल्यूज बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज को ऐड किया, और कितनी वैल्यूज है उससे आपने उसको डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास एवरेज आ गया। ओके, तो सेकेंड स्टेप क्या है, हाउ फार दीज ऑब्जर्वेशन आर फ्रॉम 12। आपको ये पता करना है कि आपका मीन जो एवरेज वैल्यू है वो 12 आ गया अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो आपको बताना जो ऑब्जर्वेशन है, जो वैल्यूज है, वो 12 से कितना दूर है। तो आप क्या करोगे, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको 12 से माइनस कर दोगे, 12 माइनस 10, 12 माइनस 12, देन 12 माइनस 13, 12 माइनस 14, जो भी आपकी वैल्यूज है, राइट। अब देखो वेरियंस क्या है, एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस, एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस। तो आपने क्या किया, जो स्क्वायर्ड डिफरेंसेस, जो पहले आपने डिफरेंस निकाल लिया यहाँ पे मीन से, फ्रॉम द मीन, एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन, सबसे पहले मीन निकाला, अब डिफरेंस निकाला, ठीक है, वैल्यूज का मीन से, ओके, जो भी वैल्यूज हैं उनका मीन से आपने डिफरेंस निकाला, मतलब उसको सब्ट्रैक्ट किया। अब क्या करना है, स्क्वायर डिफरेंसेस,
कैसा डिफरेंस, स्क्वायर डिफरेंस है, तो आपने इनका क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, ठीक है, जो भी वैल्यूज थी उसका आपने, जो भी आप डिफरेंस निकाल रहे हो उसका आपने स्क्वायर कर लिया, जितनी वैल्यूज थी उनका स्क्वायर कर लिया। एंड उसके बाद आपको क्या निकालना है, इनकी एवरेज निकालनी है। ओके, स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन, स्क्वायर डिफरेंस आपका ये निकल के आ गया, ये आपका स्क्वायर डिफरेंस है। ओके, फ्रॉम द मीन, स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन, अब आपको इसकी एवरेज निकालनी है, ठीक है, अब आपको इसकी एवरेज निकालनी है। तो आपने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज और यू कैन से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया था, स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन, पहले आपने मीन से डिफरेंस निकाला, उसको स्क्वायर किया, अब आपको एवरेज निकालनी है। तो आपने क्या किया, जो भी डेटा, जो भी डिफरेंसेस है उनको ऐड कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया बाय द नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज। ओके, नाउ व्हाट एवर नंबर वी गेट, जो भी अब रिजल्ट आएगा वो क्या है, वेरियंस ऑफ द डेटा, वो इस पर्टिकुलर डेटा सेट का क्या है, वेरियंस है, ठीक है, समझ आया। वेरियंस क्या है, वेरियंस इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन। तो सबसे पहले मीन निकाला, फिर मीन का डिफरेंस निकाला वैल्यूज के साथ, उस वैल्यूज जो भी डिफरेंस आया उसको हमने स्क्वायर किया और उस स्क्वायर का एवरेज निकाल लिया, और वो वैल्यू जो रिजल्ट आया वो हमारा क्या है, वेरियंस है। ओके, नाउ हियर वी हैव द एग्जांपल प्रोग्राम फॉर कंप्यूटिंग वेरियंस। ओके, यहाँ पे आपने पांडास को इम्पोर्ट किया, पांडास लाइब्रेरी को, नंपाई को इम्पोर्ट किया, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, राइट, जिसकी की वैल्यूज क्या है, की है नेम एंड वैल्यूज उसकी एज अ लिस्ट है, एज एंड स्कोर, राइट। आपने इस डिक्शनरी को पास कर दिया डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर, तो अब ये डिक्शनरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने कॉलम्स नेम दे दिए एक्सप्लिसिटली, नेम, एज एंड स्कोर, राइट, एंड डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया, तो ये आपका डेटा फ्रेम प्रिंट होके आ गया। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपको वेरियंस निकालना है डेटा फ्रेम का। आपने क्या किया, df डॉट वेर फंक्शन का यूज किया। अब देखो यहाँ पे जो स्ट्रिंग वैल्यूज है, मतलब जो नेम कॉलम है उसमें स्ट्रिंग वैल्यूज है, उसका वेरियंस नहीं निकलेगा, राइट, ओके, या किसका निकलेगा, नंबर वैल्यूज का निकलेगा। तो आपका एज का वेरियंस आ गया है एंड स्कोर का वेरियंस आ गया, और वेरियंस क्या होता है मैंने भी आपको समझा दिया है, राइट। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम डॉट वेर फंक्शन का यूज, इससे आपका डेटा फ्रेम के जो भी नंबर कॉलम्स हैं, ओके, उनका क्या निकल के आ जाएगा, वेरिएंस निकल के आ जाएगा। ओके, अगर आपको कॉलम, जो डेटा फ्रेम के कॉलम्स हैं उनका वेरिएंस निकालना है, तो आप क्या करोगे, वेर फंक्शन के अंदर एक्सिस इक्वल्स टू जीरो आर्गुमेंट को पास करोगे, राइट, एक्सिस इक्वल टू जीरो आर्गुमेंट कैलकुलेट्स द कॉलम वाइज वेरिएंस ऑफ द डेटा फ्रेम। तो दिस इज योर डेटा फ्रेम, सिंपली आपने क्या कमांड दिए, df डॉट वेर, और उसमें पास कर दिए एक्सिस इक्वल टू जीरो, जीरो मीन्स कॉलम वेरियंस। तो मैंने भी आपको बताया था स्ट्रिंग जो कॉलम है उसका वेरियंस नहीं निकलेगा, जो आपके न्यूमेरिकल कॉलम्स है उनका वेरियंस आपके पास निकल के आ जाएगा, ये रहा। देन अगर आपको ओनली रो वाइज वेरियंस निकालना है, तो आप क्या करोगे, एक्सिस वन पास करोगे वेर फंक्शन के अंदर, एक्सिस वन आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट द रो वाइज वेरियंस ऑफ द डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे रो वाइज वेरियंस निकल जाएगा आपका डेटा फ्रेम का। तो रो वाइज मतलब यहाँ पे ये दो वैल्यूज का निकलेगा, फिर ये दो वैल्यूज का निकलेगा, ओके, टू वैल्यूज, तो यहाँ पे ये आपका वेरियंस निकल के आ गया है, राइट, और मैं आपको बता चुका। ओके, सो वेरियंस इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन। अगर आपको किसी स्पेसिफिक कॉलम का निकालना है, तो आप स्पेसिफिक कॉलम का वेरियंस निकाल सकते हो। df डॉट लॉग फंक्शन का यहाँ पे यूज हुआ है, तो यहाँ पे डबल डॉट मीन्स जो कॉलन है, कॉलन मीन्स यहाँ पे ऑल द रोज, इट विल कवर ऑल द रोज एंड द कॉलम एज, राइट, कॉलम एज की साइड रोज को ये कवर करेगा, एंड डॉट आपने वेर फंक्शन दे दिया है। तो यहाँ पे जो आपका कॉलम एज है, राइट, उसकी जितनी भी वैल्यूज है उसका वेरियंस निकल के आ गया है, फाइन। नेक्स्ट वी हैव स्टैंडर्ड डेविएशन। द STD फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ गिवन सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम STD फंक्शन का यूज करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए, ओके, फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ एलिमेंट, जो भी आपको वैल्यूज दी गई है, राइट। इट इज यूज टू रिटर्न द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नंबर्स। आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो, एक डेटा फ्रेम का और कॉलम और रोज ऑफ डेटा फ्रेम, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरियंस। आपने वेरियंस निकाल लिया, वेरियंस क्या होता है, एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन, राइट। और आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो आप वेरियंस आया है उसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है, फाइन। सिंटेक्स क्या है, df क्या है, डेटा फ्रेम का नेम, कॉलम नेम, ओके, जिस भी पर्टिकुलर कॉलम का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, डॉट std फंक्शन,
राइट, df डॉट std एक्सिस जीरो क्या होगा, डेटा फ्रेम के कॉलम्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेगा जितने भी कॉलम्स हैं, और अगर आप एक्सिस वन पास करते हो std फंक्शन के अंदर तो वो क्या करेगा, डेटा फ्रेम की रोज का जितनी भी रोज है, न्यूमेरिकल रोज है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपको डिस्प्ले करेगा. ओके, now here we have example to calculate the standard deviation of column age and score of the data frame df. अगर आपको data frame df के दो columns का standard deviation निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, आपने लिखा df data frame का name, age, okay, within the square bracket age and score column dot std function, right? तो यहाँ पे जो क्या है आपका age column का और score column का क्या निकल के आ गया है, standard deviation निकल के आ गया है. fine, यहाँ पे आपको खुद से कोई calculation नहीं करनी है, simply formula लगाना है और ये it will calculate the value itself, right? we can sort data in a data frame. हम data frame के अंदर data को कैसे sort कर सकते हैं, कैसे उसे ascending और descending order में arrange कर सकते हैं, right? Shorting refers to the arrangement of data elements in a specified order. तो shorting क्या होता है, data elements को एक particular order में arrange करना, okay? Which can either be ascending or descending. और data किस form में आप arrange करोगे, या तो ascending में क्या है, smaller to larger, या फिर descending में from larger to smaller. Fine. Pandas data frame provide two useful short functions. तो हमें pandas का data frame क्या provide करता है, दो functions provide करता है जिसकी help से आप data frame के data को arrange कर सकते हैं. First आपका क्या है, short values, short underscore values function जिसकी help से आप क्या करते हो, columns का data short करते हो. and second one is short underscore index function जिसकी help से आप क्या करते हो, index के according values को और data को arrange करते हो, right? now we will do these two functions practically. okay, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों function को practically implement करेंगे. तो यहाँ पे मैंने heading ली है short the pandas data frame on the basis of a single column, okay, in ascending ascending order. ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, डेटा फ्रेम के कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, राइट? तो यहाँ पे हम कॉलम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम शॉर्ट वैल्यूज फंक्शन का यूज करेंगे, राइट? तो आपको सबसे पहले क्या क्रिएट करना है, डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, फिर उसकी वैल्यूज को अरेंज करना है. तो हम यहाँ पे डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं, इम्पोर्ट पांडास लाइब्रेरी को एज पीडी, हमने पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लिया, उसका एलियास नेम दे दिया पीडी, राइट? then import numpy as np, numpy library को भी आपने import कर लिया, right? यहाँ पे हम एक variable ले लेते हैं dic, okay? यहाँ पे हम कैसे create करेंगे data frame को, हम dictionary से create करेंगे. तो सबसे पहले हम dictionary बना लेते हैं, dictionary में हमने key ले लिया है name, right? okay? and values ले लेंगे list की form में, तो values हम ले लेंगे, यहाँ पर names ले लेते हैं, ओके, राइट, देन नेक्स्ट फाइव नेम्स हमने यहां पे ले लिए. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट की वैल्यू पेयर हो गया है. ओके, नेक्स्ट हम ले लेते हैं एज, राइट? इसकी वैल्यूज ले लेंगे, ओके. नेक्स्ट कॉलम हम ले लेते हैं स्कोर, राइट? इसमें हम ले लेते हैं ये स्कोर किसी का भी हो सकता है, कोई टेस्ट है, ओके? तो हमने स्कोर ले लिया है n89. फाइन, सो वी हैव क्रिएटेड
our dictionary here. Okay. इंडेंटेशन का ध्यान रखना है. अब हमें क्या करना है, डिक्शनरी से डेटा फ्रेम को क्रिएट करना है. तो हमने यहाँ पे df वेरिएबल ले लिया है और पांडास का डेटा फ्रेम फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे. फाइन, pd डॉट डेटा फ्रेम और उसमें अपनी डिक्शनरी को हम पास कर देंगे. सिंपल, राइट? ओके. अब हम क्या प्रिंट कर देते हैं, हम प्रिंट कर देते हैं अपनी डिक्शनरी को. उससे पहले हेडिंग दे देते हैं, डेटा फ्रेम कंटेंट विदाउट शॉर्टिंग. राइट, हमने बिना शॉर्टिंग के पहले शो कर देना है जो भी हमारा डेटा आएगा. तो उसके बाद आप कर दोगे प्रिंट df, ये आपका डेटा फ्रेम आ जाएगा. फाइन, ओके. अब हमें क्या करना है, ये हमने डिक्शनरी को प्रिंट करा दिया. अब हम शॉर्टिंग की बात कैसे आएगा हमारा, तो हम करेंगे फिर से df ले लेंगे वेरिएबल. ओके, df डॉट शॉर्ट वैल्यूज, शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज. राइट, शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज. और उसमें आपको क्या बताना है, बाय पैरामीटर को पास करके आपको कॉलम का नेम बताना है जिसको आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है. राइट, तो हमने यहाँ पे दे दिया कॉलम नेम स्कोर. फाइन, तो इसके कुछ और भी पैरामीटर होते हैं, पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ. ओके, यहाँ पे सिंटेक्स देखो, डेटा फ्रेम डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज. राइट, बाय में आप क्या दोगे, आप बाय की वैल्यू दोगे, जो भी कॉलम आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है. राइट, अगर सिंगल करना है तो सिंगल दे दोगे, अगर आपको मल्टीपल देने हैं तो आप एज अ लिस्ट पास कर दोगे y की वैल्यू. राइट, एक्सिस इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट पैरामीटर क्या है आपका, एक्सिस. ओके, पासिंग आर्ग्यूमेंट एज 0 मीन शॉर्टिंग विल बी डन रो वाइज. ओके, अगर आप एक्सिस 0 पास करते हो तो शॉर्टिंग कैसी होगी, रो वाइज होगी. अगर आप 1 पास करते हो तो शॉर्टिंग क्या होगी, कॉलम वाइज होगी, अगर आपने एक्सिस को डिफाइन किया. फाइन, नेक्स्ट है आपका असेंडिंग पैरामीटर. राइट, द ऑर्डर ऑफ शॉर्टिंग, यहाँ पे असेंडिंग क्या है, बाय डिफॉल्ट 2 है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में वो क्या करेगा, अरेंज करेगा फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर. राइट, ओके, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू largest. The order of shorting ascending equals to false or true are passed as arguments. By default ascending is true. Fine. Now next है in place equal to false. Right? Default is false. If you don't wish to create a new data frame, then set it as true. अगर आपका in place true है तो क्या होगा, जो आपका original data frame है उसमें changes हो जाएंगे. Right? और अगर आप इसको false रखोगे तो क्या होगा, result में ही change होंगे. Right? ओके, तो यहाँ पे ये पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए हैं कि शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज फंक्शन के अंदर आप कौन कौन से पैरामीटर्स पास कर सकते हैं. बाय में आप कॉलम की वैल्यू दोगे, एक्सिस से आप डिफाइन करोगे कि कौन सा, मतलब कैसे आपको शॉर्टिंग चाहिए, कॉलम वाइज चाहिए, रो वाइज चाहिए. असेंडिंग से आप बताओगे कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए. इन प्लेस से आप डिफाइन करोगे कि आपको ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंजेस करने हैं या सिर्फ क्या करना है, आपको रिजल्ट में चेंजेस चाहिए. ओके, अगर ये फॉल्स है तो क्या होगा, ओनली रिजल्टिंग जो डेटा फ्रेम आएगा उसके अंदर चेंज होगा. राइट, ओके, तो मैंने यहाँ पे स्कोर में स्कोर कॉलम दे दिया है. फाइन, राइट, असेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर बाय डिफॉल्ट. राइट, ओके, हमने शॉर्टिंग कर दिया. अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देते हैं प्रिंट. राइट, और हम दे देते हैं यहाँ पे डेटा फ्रेम कंटेंट आफ्टर शॉर्टिंग. शॉर्टिंग के बाद आपका डेटा फ्रेम का कंटेंट. राइट, और आपने कर दिया प्रिंट df. फाइन, आप अब इसको एग्जीक्यूट करोगे. अब यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ गया. देखो पहले स्कोर में क्या था, 85, 78, 55, 77, 89. ओके, फिर आपने क्या किया, स्कोर कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है. राइट, तो यहाँ पे देखो 55 पहले आया है, देन 77, 78, 85, 89, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है. आपकी थर्ड, देन फर्स्ट, देन आप वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. तो मैंने क्या किया है, इसको कॉपी कर दिया. ओके, हमने कॉपी कर लिया है. ओके,
ऊपर वाले प्रोग्राम को अब हम इसको क्या करते हैं, असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने कॉलम को अरेंज करेंगे, राइट। तो आपका ये इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ओके, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी एज इट इज हमने कॉपी किया हुआ है, डिक्शनरी से हमने डेटा फ्रेम को क्रिएट कर लिया, राइट यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डीएफ डॉट शॉर्ट वैल्यूज बाय में आपने स्कोर कॉलम लिया है, ओके, और नेक्स्ट जो आप सेकंड पैरामीटर पास करोगे वो आप पास करोगे असेंडिंग, ए एस सी ई एन डी आई एन जी असेंडिंग, राइट। और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, ट्रू, ओके। तो बाय डिफॉल्ट जो कॉलम की वैल्यू अरेंज होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है, तो हम इसकी वैल्यू कर देंगे फॉल्स, राइट। और यहाँ पे इसको असेंडिंग की जगह हम कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट, अपने कमेंट को हम कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, फाइन, सिंपल एज इट इज पूरा प्रोग्राम है, फाइन। हमने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पे हमने शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया असेंडिंग और उसकी वैल्यू दे दी है फॉल्स, राइट। नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, नाउ लुक एट द रिजल्ट, यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ गया, ये आपका स्कोर कॉलम है, ओके, और इसकी वैल्यू किस फॉर्म में अरेंज हुई है, डिसेंडिंग में, राइट। सबसे पहले आपका 89 आया है, 85 आया है, देन 78, 77 एंड 55, ओके, एंड इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही आपका पूरा डेटा फ्रेम के दूसरे कॉलम्स भी अरेंज हो गए, राइट, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर हम क्या चाहते हैं, मल्टीपल कॉलम्स को अरेंज करना चाहते हैं, तो हम एज इट इज पहले अपने ऊपर वाले प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं, एज इट इज हमने अपना प्रोग्राम कॉपी कर लिया है, राइट। अब हमें क्या करना है, मल्टीपल कॉलम्स के को अरेंज करना है, तो यहाँ पे हम अपनी हेडिंग चेंज कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल कॉलम्स, राइट, ओके। नाउ आपका हम क्या है, प्रोग्राम एज इट इज हमने कॉपी किया है, ओके, यहाँ पे हमने डिक्शनरी से अपने डेटा फ्रेम को क्रिएट किया है, फाइन, ओके, एंड डेटा फ्रेम का क्या है, विदाउट शॉर्टिंग आपने यहाँ पे उसको प्रिंट करा दिया, प्रिंट डीएफ विदाउट शॉर्टिंग आपने डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे हम एक हेडिंग दे देते हैं, शॉर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ एज कॉलम इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर एंड स्कोर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट, स्कोर को हम दे देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे हम एज कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे एंड स्कोर कॉलम को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ओके। तो डीएफ आपने एक लिया वेरिएबल, राइट, डीएफ इक्वल्स टू डीएफ डॉट, ओके, शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। तो शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज आपका किसका फंक्शन है, डेटा फ्रेम का फंक्शन है, पांडास डेटा फ्रेम का फंक्शन है। और यहाँ पे बाय के अंदर आप क्या कर दोगे, एज अ लिस्ट कॉलम्स को दोगे, आपको एज अ लिस्ट कॉलम्स को देना है, कौन कौन सा कॉलम आपको अरेंज करना है, एज एंड आपको करना है स्कोर, राइट, एज एंड स्कोर कॉलम को आपको अरेंज करना है, फाइन, एंड असेंडिंग पैरामीटर है, राइट, उसमें आप क्या करेंगे, वैल्यूज पास करेंगे, एज के लिए आप वैल्यू पास करेंगे ट्रू, राइट, ट्रू मींस असेंडिंग ऑर्डर में एज अरेंज हो जाए, एंड स्कोर के लिए आप वैल्यू पास करेंगे फॉल्स, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये कोट्स नहीं लगाने, मैंने ये बाय मिस्टेक कोट्स लगा दिए, कोट्स नहीं लगाने, फाइन, ओके, राइट। अब देखो, बाय में आपने कॉलम्स एज अ लिस्ट दे दिया एज एंड स्कोर, एंड असेंडिंग पैरामीटर के अंदर आपने एज अ लिस्ट दे दिया ट्रू एंड फॉल्स, राइट। तो आपका जो एज कॉलम है उसके लिए आपने दिया है ट्रू, मतलब वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो, छोटे से बड़ा, एंड यहाँ पे स्कोर कॉलम के लिए आपने दिया है डिसेंडिंग, ओके, फॉल्स मीन्स डिसेंडिंग मीन्स योर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, राइट, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस, ओके, अब जो ये वाला डेटा फ्रेम है वो आपका बिफोर अरेंज, बिफोर शॉर्टिंग है। अब यहाँ पे देखो, आपका जो
आफ्टर शॉर्टिंग डेटा फ्रेम आया है उसके अंदर एज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में रेंज होगी है 24, 24, 25, 26, 27, राइट। एंड आपका जो इसके अकॉर्डिंगली ही आपका क्या अरेंज हुआ है, पूरा का पूरा डेटा फ्रेम हुआ है। ये मल्टीपल कॉलम्स होता तो है, बट क्या होता है एक पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग ही रेस्ट ऑफ द डेटा चेंज होगा। अगर आपका एज चेंज होता है एंड स्कोर भी चेंज होता है, जैसे अर्जुन है, अर्जुन की एज 24 है, उसका स्कोर क्या है 85 है, लेकिन अगर हम इसको क्या करें डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर 89 आ जाएगा हम रॉन्ग, यहाँ पे स्कोर रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमने अर्जुन का स्कोर क्या लिया है 85 ही लिया है। तो बेसिकली एक कॉलम जो एक सिंगल कॉलम होता है उसके अकॉर्डिंगली ही पूरा डेटा फ्रेम चेंज होता है, फाइन। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन। ओके, उसमें क्या होता है, इंडेक्स के अकॉर्डिंग डेटा चेंज होता है, तो हम क्या करते हैं अपने प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है, कंट्रोल सी, राइट, उसको हम कॉपी करके उसमें चेंजेस कर लेंगे, फाइन, इसको हमने कर लिया कंट्रोल वी, ओके, राइट। और यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं इसको, फाइन, हेडिंग हम दे देते हैं शॉर्ट द पांडास डेटा फ्रेम बाय इंडेक्स इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो हम इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, डेटा फ्रेम के डेटा को अरेंज कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, किस फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे डेटा फ्रेम ऑलरेडी क्रिएटेड है, ओके, हमने डिक्शनरी से इसको क्रिएट किया है, दैट आई हैव टोल्ड यू, ओके। नाउ इस हेडिंग को हम हटा देंगे, ओके। अब यहाँ पे हम किस फंक्शन का यूज कर रहे हैं, हम शॉर्ट फंक्शन का, शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन का यूज कर रहे हैं, जो किसका फंक्शन है, डेटा फ्रेम का फंक्शन है। तो df डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, राइट, इंडेक्स फंक्शन हमने दे दिया है। तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स फंक्शन किस इंडेक्स की अकॉर्डिंग अरेंज करेगा, राइट, इंडेक्स की अकॉर्डिंग वैल्यूज अरेंज होंगी, राइट, लेकिन किस फॉर्म में अरेंज होंगी, असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या दिया, शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन तो दे दिया, राइट, लेकिन यहाँ पे जो मेरी डिक्शनरी है उसके अंदर मुझे क्या करना है, इंडेक्स भी तो देना होगा। इंडेक्स पैरामीटर देके मैं क्या करूंगी, ऐसा इंडेक्स दूंगी जिसको अरेंज करने की जरूरत पड़े, नहीं तो बाय डिफॉल्ट तो वो क्या होगा, एक अरेंज फॉर्म में आएगा, 0, 1, 2, 3, 4 लाइक दिस, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंडेक्स पैरामीटर पास किया और मैं यहाँ पे अपना इंडेक्स दे देती हूँ जो अरेंज नहीं है, 1 दे दिया, 4 दे दिया मैंने यहाँ पे, 3, फाइन, और 2 दे दिया, ओके, एंड 0 दे दिया, फाइन, ओके। और ये मेरा इंडेक्स वैल्यूज आ गई हैं जो मैंने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे डिफाइन किए हैं। अब ये इंडेक्स को ये शॉर्ट कर देगा किस फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में, फाइन। नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस, नाउ लुक एट द रिजल्ट हियर। सी, आपका जो प्रीवियस इंडेक्स था वो क्या था, 1, 4, 3, 2, 0, राइट, और आपने जब इसकी शॉर्टिंग की तो आफ्टर शॉर्टिंग आपका इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, उसके अकॉर्डिंगली ही पूरा डेटा फ्रेम का क्या हुआ है, डेटा चेंज हो गया, फाइन। तो शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन की हेल्प से आपने क्या किया है, इंडेक्स के अकॉर्डिंग डेटा फ्रेम को शॉर्ट किया है, राइट, ओके। अब अगर आपको क्या करना है, डेटा को किस फॉर्म में अरेंज करना है, डिसेंडिंग में करना है, तो क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं कम्प्लीटली, हियर वी आर गोइंग टू कॉपी दिस, राइट, ओके, एंड देन पेस्ट इट, राइट। नाउ यहाँ पे हम इसकी क्या करते हैं, असेंडिंग की जगह कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, फाइन, एज इट इज आपका पूरा प्रोग्राम है। देखो डेटा फ्रेम में आपने इंडेक्स डिफाइन किया हुआ है 1, 4, 3, 2, 0, राइट, ओके, एंड देन अब देखो शॉर्ट इंडेक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या था, वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता था, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डिसेंडिंग चाहिए। तो आपको कौन सा पैरामीटर यहाँ पास करना होगा, असेंडिंग पैरामीटर, ASCENDING, असेंडिंग पैरामीटर आपको पास करना है और इसकी वैल्यू आपको कर देनी है फॉल्स, राइट। असेंडिंग पैरामीटर पास करके आपने इसकी वैल्यू क्या कर दी है, फॉल्स, तो फॉल्स मींस डिसेंडिंग ऑर्डर, फाइन। नाउ एग्जीक्यूट दिस, नाउ लुक एट द रिजल्ट, सी,
ओके ये आपका क्या है, आपका यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू है 14320, राइट। ओके अब यहाँ पे आपने डिसेंडिंग में इसको अरेंज किया है, तो डिसेंडिंग में देखो 43210 ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने दो फंक्शंस का यूज किया है, शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज फंक्शन एंड शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन टू अरेंज द डेटा ऑफ द डेटा फ्रेम, राइट। यू कैन यूज ग्रुप बाय फंक्शन इन पाइथन पांडास। इन पांडास डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय फंक्शन इज यूज टू स्प्लिट द डेटा इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। ओके तो जैसे हम एसक्यूएल में ग्रुप बाय का यूज करते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करते हैं, किस लिए, टेबल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं, राइट, कॉलम्स में जो क्या होता है, सिमिलर डेटा होता है उसकी ग्रुपिंग करने के लिए, राइट। ऐसे ही यहाँ पर डेटा फ्रेम के अंदर जो कॉलम्स है, कॉलम्स के अंदर जो सिमिलर डेटा है उसकी ग्रुपिंग करने के लिए यहाँ हम किसका यूज करते हैं, ग्रुप फंक्शन का यूज करते हैं। ओके ये टेबल को स्प्लिट कर देता है, डिवाइड कर देता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, और उन ग्रुप्स में क्या होता है, सिमिलर डेटा होता है। ओके इन अदर वर्ड्स द डुप्लीकेट वैल्यूज इन द सेम फील्ड आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द ग्रुप। तो ये क्या कह रहा है कि एक फील्ड के अंदर जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होती है उनका क्या बन जाता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप बन जाता है। जैसे ए के अंदर मान लो एक फील्ड के अंदर ए है टू टाइम्स ओके एंड बी है 3 times, राइट, तो क्या बन जाएगा, ए का ग्रुप बन जाएगा, बी का ग्रुप बन जाएगा, लाइक दिस, फाइन। रिक्वायर्ड फंक्शंस कैन बी अप्लाइड ऑन दीज ग्रुप। और ग्रुपिंग करने के बाद क्या करते हैं, जैसे हम एसक्यूएल में करते हैं, ओके ग्रुपिंग करने के बाद हम उन पर्टिकुलर ग्रुप पे एग्रीगेट फंक्शंस को अप्लाई करते हैं, ओके एंड वी गेट द रिजल्ट। ऐसे ही यहाँ पे डेटा फ्रेम में ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग करने के बाद एग्रीगेशन करते हैं, एग्रीगेशन मीन्स वी कैन अप्लाई एग्रीगेट फंक्शंस ऑन दीज ग्रुप्स। ओके Now, aggregation is a process in which an aggregate function is applied on each group. तो आपको ये पता होना चाहिए कि aggregation क्या होता है, aggregation क्या होता है, aggregation के अंदर आप group by clause का use करने के बाद जो groups बनते हैं उन groups के ऊपर aggregate functions को apply करते हो, right? और aggregate functions का result क्या होता है, you will get a single value, okay? corresponding to each group. आपको each group से related एक particular single value मिल जाती है। Fine, aggregation can be performed using egg function or aggregate function. Aggregation आप pandas में aggregate function कैसे apply करोगे, by using the egg function or aggregate function. Fine. पांडास ऑब्जेक्ट लाइक अ डेटा फ्रेम कैन बी स्प्लिट ऑन एनी ऑफ देयर एक्सेस, राइट। तो ये क्या कह रहा है, पांडास डेटा फ्रेम को आप किसी भी एक्सेस पे स्प्लिट कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो, कॉलम वाइज भी और रो वाइज भी। ओके To understand this better, let us consider the data shown in the diagram given below. Okay, तो इस concept को समझने के लिए हम इस diagram को देखते हैं। Here we have a two column data frame, key data. तो हमारे पास यहाँ पे data frame है जिसके अंदर दो column है, key and data, right? We need to find the sum of the data column for a particular key. That is the sum of all the data elements with the key A, B and C respectively, right? तो हमें क्या चाहिए, A के data का sum चाहिए and B के data का sum चाहिए and C के data का sum चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करके, राइट, डेटा फ्रेम के कॉलम्स को डिवाइड करेंगे ग्रुप्स के अंदर, फाइन। तो यहाँ पे देखो ग्रुप बाय का यूज करके ए का ग्रुप बन गया है, बी का ग्रुप बन गया है एंड सी का ग्रुप बन गया है, ओके राइट। अब यहाँ पे इन ग्रुप्स के ऊपर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, इन ग्रुप्स के ऊपर हम एग्रीगेट फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है सम फंक्शन को, ओके तो ए का आपका क्या आ गया, सिंगल वैल्यू निकल के आ गया, सम निकल के आ गया है 15, आपका बी का 30 आ गया है एंड सी का आपका 45 आ गया है, राइट। तो ये आपका क्या बन गया, ये दिस इज योर आउटपुट डेटा फ्रेम, और यू कैन से द डेटा फ्रेम डेट वॉज रिक्वायर्ड, फाइन। ओके अब हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली करेंगे, पहले डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, राइट, और फिर उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे अपने एग्रीगेट फंक्शंस, फाइन। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट पांडास एस पीडी, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करें, डिक्शनरी से हम अपना डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, तो डिक्शनरी में को बनाने में टाइम वेस्ट ना हो तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई हुई है, राइट। इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, सिंपल हमने इसको कर लिया कॉपी, राइट। तो हमने सबसे पहले इम्पोर्ट कर लिया है पांडास को, राइट, इम्पोर्ट पांडास एस पीडी, ओके। उसके बाद आपने क्या किया है, डिक्शनरी ले ली है, ओके फाइन। अब हमें क्या करना है, इस डिक्शनरी से क्रिएट करना है अपना डेटा फ्रेम, डीएफ हमने ले लिया डेटा फ्रेम का, मतलब नेम वेरिएबल,
ओके अब आप लोगे पीडी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करेंगे फाइन, और उसमें क्या करेंगे हम अपनी डिक्शनरी को पास कर देंगे फाइन। तो यहां से हम अपनी डिक्शनरी कॉपी करते हैं और उसको पास कर देते हैं सिंपल फाइन ओके। तो ये हमारा क्या हो गया है, डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है और किस वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया है, डीएफ वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया है। वी विल प्रिंट दिस डेटा फ्रेम, प्रिंट कर देंगे। अभी सिंपली मैंने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, आई शो यू द रिजल्ट। नाउ सी ये आपका क्या आ गया, डेटा फ्रेम आ गया है राइट। तो यहाँ पे डिक्शनरी की जो कीज थी टीम किंग्स ओके ईयर एंड पॉइंट्स, वो क्या बन गया है, वो हमारे डेटा फ्रेम के कॉलम नेम बन गया है फाइन। तो ये आपका डेटा फ्रेम आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी ग्रुपिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेम वैल्यूज ओके। तो यहाँ पे देखो टीम जो हमारी कॉलम है उसमें वैल्यूज क्या हमने सेम दिए, जैसे राइडर्स डेविल्स ओके। तो ये टीम्स के नेम है, आईपीएल टीम के नेम्स है, किंग्स राइट रॉयल्स ओके। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका ग्रुपिंग करेंगे फाइन। तो अभी हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं ओके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं, पहले हम एक प्रिंट स्टेटमेंट ले लेते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट हम ले लेंगे फाइन। डेटा फ्रेम आफ्टर ग्रुपिंग राइट, डेटा फ्रेम आफ्टर ग्रुपिंग ओके। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ, df1 equals to df dot group by और group by में मैं कौन सा कॉलम पास कर देती हूँ, मैं पास कर देती हूँ टीम कॉलम को फाइन ओके। अब यहाँ पे देखो जो df1 है वो क्या है, डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट राइट। और ये कौन रिटर्न करता है, ये ग्रुप बाय फंक्शन रिटर्न करता है राइट ओके। ग्रुप बाय फंक्शन क्या करता है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसको हम बोलते हैं डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को हम किसी भी वेरिएबल के अंदर सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसको मैंने df1 वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया है राइट। अब इस जो वेरिएबल है, जो ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट है, उसका क्या यूज है, डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट का क्या यूज है, इसका ये यूज है कि हम इस पे अब कोई भी फंक्शन ओके या कोई भी एट्रीब्यूट अप्लाई कर सकते हैं राइट इस पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर क्या है, डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट है, जो किसने रिटर्न किया है, ग्रुप बाय फंक्शन ने रिटर्न किया है फाइन ओके। नाउ अब मान लो अब मेरे पास आ गया है डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट, अब मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर फंक्शंस को अप्लाई करूंगी। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे रही हूं ओके, मैंने दे दिया डिस्प्लेइंग द फर्स्ट एंट्री फ्रॉम ईच ग्रुप। हमने टीम वाइज ग्रुप बनाए हैं ओके, टीम वाइज ग्रुप बनाए हैं और आपको ग्रुप वाइज फर्स्ट एंट्री क्या करनी है, डिस्प्ले करानी है फाइन। तो यहाँ पे आप दे दो df1, अब मैं किसका यूज करूंगी, मैं df1 का यूज करूंगी, डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट का यूज करूंगी ओके। df1 डॉट फर्स्ट फंक्शन का यहाँ पे मैंने यूज किया है, फर्स्ट फंक्शन को मैंने यहाँ पे यूज किया राइट। एंड नाउ इम्प्लीमेंट दिस, नाउ यू कैन सी ये आपका रिजल्ट निकल के आ गया है ठीक है। डेविल्स जो आपका ग्रुप बनाए, देखो ग्रुपिंग हो गई है डेविल्स किंग्स राइडर्स एंड रॉयल्स की, यहाँ पे ग्रुपिंग हो गई है राइट। और उनका क्या आ गया, फर्स्ट एंट्री मतलब रैंक में जो है, इसकी फर्स्ट जो रैंक दी है वो 2 है, देन किंग्स की 3 है ठीक है ओके। डेविल्स की यहाँ पे आप देख भी सकते हो, डेविल्स की देखो 2 है फाइन, और किंग्स की जो आपने दी है फर्स्ट रैंक, जो सबसे पहला रिकॉर्ड है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, 3 है। ऐसे ही ईयर्स देखे, डेविस का 2014 है, देन किंग्स का भी 2014 लाइक दिस ओके। एंड पॉइंट्स में जो सबसे पहली एंट्री है पॉइंट्स में, डेविस की क्या है, 863 ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन की हेल्प से क्या हुआ है, फर्स्ट एंट्री आपने यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है फाइन। और देखो जिसने जो ग्रुपिंग की है वो अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में की है, असेंडिंग ऑर्डर में की है ओके ओके। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, साइज डिस्प्ले कराएंगे ईच ग्रुप का। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ इसकी कमेंट, डिस्प्लेइंग
size of each group. Fine, simple. मेरे पास ऑब्जेक्ट है df1, राइट, डॉट साइज फंक्शन. साइज फंक्शन दे दिया, ओके, एग्जीक्यूट कराते हैं. राइट, नाउ लुक एट द स्क्रीन. अब आप यहाँ पे देखो आपका क्या आ गया, साइज आ गया है. फाइन, तो यहाँ पे देखो साइज आ गया. डेविल्स कितने बार आया है, 2 times आया है. आपका किंग्स की 4 times आया है. राइडर्स भी 4 times आया है. आपका रॉयल्स 2 times आया है. फाइन, तो इससे आपका साइज पता चल गया कि जो आपके ग्रुपिंग हुई है, राइट, टीम कॉलम की ग्रुपिंग हुई है, उसमें ये कितनी बार आए. डेविल्स है वो कितनी बार आया है, 2 times आया है, लाइक दिस. फाइन, ओके, नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट हम क्या डिस्प्ले करेंगे, हम डिस्प्ले करेंगे ग्रुप नेम. ओके, की हेडिंग दे देते हैं ग्रुप नेम्स. ओके, एंड उन ग्रुप के वो ग्रुप कहाँ पे आते, कौन कौन से रो इंडेक्सेस पे वो ग्रुप आए हैं, राइट, इंडेक्सेस. ओके, ग्रुप नेम एंड रो इंडेक्सेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप. फाइन, इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल अपना ऑब्जेक्ट लेंगे, डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट डॉट, कौन से फंक्शन का यूज करेंगे हम यहाँ पे, ग्रुप्स. इट्स नॉट अ फंक्शन, ये कीवर्ड है, इसका हम यूज करें ग्रुप्स. फाइन, इसको एग्जीक्यूट करो. नाउ सी द रिजल्ट हियर. यहाँ पे देखो आपका ग्रुप का नेम आ गया डेविल्स, और कौन कौन से रो इंडेक्सेस पे वो आया है, 2 and 3 पे. फाइन, देन किंग्स का किस किस पे आया है, 4, 5, 6 और 7 रो इंडेक्स पे आया है वो. राइडर्स, मतलब यहाँ पे क्या आ गए, ग्रुप्स के नेम्स आ गए हैं और क्या आ गए, उनके रो इंडेक्सेस आ गए हैं कि किस किस रो इंडेक्स पे ये पर्टिकुलर ग्रुप्स आए हैं. फाइन, यहाँ पे देखो 0, 1, 8 and 11. ओके, तो अगर हम ऊपर जाके देखें तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे डेटा फ्रेम हमने डिस्प्ले कराया है, तो यहाँ पे रो इंडेक्स आया है हमारा, रो इंडेक्स आया है एंड ग्रुप का नेम आया, राइडर्स आया जैसे 0 and 1. फाइन, 0, 1 और एंड कहाँ पे है, 8 पे भी है, 0, 1, 8. ओके, एंड 11. फाइन, 0, 1, 8 and 11. तो आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो राइडर्स का क्या वैल्यू आई है, इंडेक्स वैल्यू आई है 0, 1, 8 and 11. राइट, तो यहाँ पे क्या आ गए, नेम्स, ग्रुप नेम्स आ गए हैं एंड रो इंडेक्सेस आ गए. ओके, ओके, अब लेट अस सपोज आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप का डेटा प्रिंट कराना है. ठीक है, सारे ग्रुप्स का नहीं लेते हम, एक पर्टिकुलर ग्रुप का आपको डेटा प्रिंट कराना है. तो यहाँ पे मैं हेडिंग देती हूँ प्रिंटिंग डेटा ऑफ अ सिंगल ग्रुप. राइट, आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप का डेटा प्रिंट कराना है. राइट, तो सिंपल आप क्या करोगे, df1 यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट लोगे, df1, ओके, डॉट, और कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज करना है हमें, get_group. फाइन, और इसके अंदर आप जो भी ग्रुप का डेटा प्रिंट कराना चाहते हो ग्रुप दे दो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया किंग्स. ओके, इसको एग्जीक्यूट करो. ओके, नाउ लुक एट द रिजल्ट हियर. अब देखो किंग्स का पूरा डेटा आपके पास आ गया है, किंग्स ग्रुप का पूरा डेटा आपके पास आ गया है, उसकी इंडेक्स वैल्यू, राइट, रैंक, ईयर, पॉइंट्स. राइट, तो यहाँ पे 4 times आपका अपीयर हुआ था एज अ, ओके, तो ये पर्टिकुलर ग्रुप आ गया आपका, उसका कंप्लीट डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया. ओके, लेट अस सपोज आपको क्या करना है, मल्टीपल कॉलम्स की ग्रुपिंग करनी है. फाइन, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अपना वेरिएबल क्रिएट करती हूँ. ओके, एंड इसमें मैं क्या करती हूँ, df डॉट ग्रुप बाय. ओके, फाइन, एज अ लिस्ट आप क्या लोगे, कॉलम नेम्स ले लोगे, जिसकी जिसकी आपको क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है. राइट, पहले हमने सिर्फ एक कॉलम लिया था टीम, अब यहाँ पे हम 2 columns ले रहे हैं, टीम ले लेते हैं और ले लेते हैं रैंक. राइट, जिनकी हमें ग्रुपिंग करनी है. ओके, तो यहाँ पे ग्रुप बाय फंक्शन जो ऑब्जेक्ट डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, df2 में जाके स्टोर हो जाएगा. राइट, अब हम df1 यूज नहीं कर रहे क्योंकि df1 जो ऑब्जेक्ट था वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए था, टीम के लिए. राइट, अब यहाँ पे हम 2 columns की ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो हमने एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, df2. फाइन, आप देखो अगर आप df2 पे कोई भी फंक्शन अप्लाई करते हो, जैसे df2 पे मैंने फंक्शन अप्लाई कर दिया साइज, फाइन, तो क्या होगा, वो दोनों कॉलम्स को क्या करेगा, ग्रुपिंग करने के बाद उस पे साइज को क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा. राइट, एग्जीक्यूट करेगा. देखो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ उसको.
अब नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे देखो दो दोनों की यहाँ पे टीम टीम के बन गए हैं ग्रुप्स, ओके। एंड रैंक्स की भी क्या होगी, अकॉर्डिंग टू द टीम्स ग्रुपिंग होगी है, फाइन, अकॉर्डिंग टू द टीम्स ग्रुपिंग हो गई है, ओके। एंड साइज आ गया है कि डेविल्स में जो रैंक 2 है वो 1 टाइम आई है, रैंक 3 है वो 1 टाइम आई है, ओके। किंग्स में जो रैंक 1 है वो 2 टाइम्स आई है, रैंक 3 है वो 1 टाइम आई है, राइट। तो यहाँ पे ग्रुपिंग करने के बाद, दोनों कॉलम्स की ग्रुपिंग करने के बाद साइज जो आपका फंक्शन था वो उस पर अप्लाई हुआ है, उसका साइज बता रहा है कि कौन सी रैंक कितने बार आई है यहाँ पर, फाइन। तो इस तरीके से आपने क्या किया, दो कॉलम्स की ग्रुपिंग की है। आप और भी ज्यादा कॉलम्स की ग्रुपिंग कर सकते हो, एज अ लिस्ट आप उनको पास कर दोगे ग्रुप बाय फंक्शन के अंदर, ओके ओके। अब हमें पता चल चुका है कि कैसे ग्रुप्स बनते हैं, राइट, ग्रुप बाय फंक्शन की हेल्प से, और कैसे आप उस पर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को अप्लाई कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, एग्रीगेट फंक्शन को भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया डीएफ, जो मैं ऑलरेडी डेटा फ्रेम बना चुकी हूँ, राइट, उस पर मैंने किया ग्रुप बाय ग्रुप बाय, ओके। और इसके अंदर मैंने एट्रीब्यूट पास कर दिया बाय, फाइन। तो जो बाय एट्रीब्यूट है वो क्या, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है वो कॉलम का नेम जो आप इस जिसकी आप ग्रुपिंग करना चाहते हो, या फिर लिस्ट ऑफ कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम्स जिनकी आप ग्रुपिंग करना चाहते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं अभी सिर्फ एक कॉलम ले रही हूँ, तो मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया टीम, मुझे मल्टीपल कॉलम्स नहीं चाहिए, फाइन। मैंने टीम से क्या कर दिया ग्रुपिंग, ओके। मेरी ग्रुपिंग किससे होगी, टीम कॉलम से होगी, ओके। और अब मैं क्या करना चाहती हूँ, किस कॉलम पे मैं एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करना चाहती हूँ, मैं एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करना चाहती हूँ पॉइंट्स पर, ओके, क्योंकि पॉइंट्स क्या है, मेरा इंटीजर कॉलम है, तो मैं इस पे एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर सकती हूँ, पॉइंट्स डॉट, ओके, एग। तो आप तो या तो कंप्लीट एग्रीगेट लिख दो, या फिर आप क्या करो, एग लिख दो, राइट, ए डबल जी, फाइन। और इस फंक्शन के अंदर आप अप्लाई पास कर दो कि कौन कौन से फंक्शंस पॉइंट कॉलम के ऊपर अप्लाई होंगे। तो मैं चाहती हूँ मीन वैल्यू निकल के आ जाए, ओके, मीन वैल्यू निकल के आ जाए, ओके, एंड आपका मिन वैल्यू निकल के आ जाए, मिनिमम वैल्यू पॉइंट्स की, एंड मैक्स वैल्यू, ओके, ये आपका निकल के आ जाए, फाइन। फिर से देख लो, ग्रुप बाय के अंदर आपने कॉलम को पास कर दिया टीम, तो ग्रुपिंग होगी टीम कॉलम से, ओके। ग्रुपिंग होने के बाद, राइट, पॉइंट्स कॉलम ग्रुपिंग हो जाएगी, डिवाइड हो जाएंगे, फाइन। पॉइंट्स कॉलम पे आप एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करो, मीन, मिन एंड मैक्स, राइट, ओके। नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस, देखो अब आपका रिजल्ट आ गया है, यहाँ आपकी क्या हुई है, टीम कॉलम से हुई है, फाइन। और पॉइंट्स कॉलम का आपके निकल के आ गया है मिन, सॉरी मीन, ओके। मिनिमम वैल्यू डेविल्स में जो पॉइंट्स मिनिमम थे वो 673 थे, डेविल्स कॉलम में जो मैक्सिमम पॉइंट्स थे वो 863 है, फाइन। ऐसे ही मीन वैल्यू आ गई है, किंग्स कॉलम का जो मिनिमम पॉइंट्स था वो 741 था और मैक्सिमम पॉइंट था 812, राइट, ओके। तो यहाँ पे ये आपका रिजल्ट आ गया है, फाइन। इंडेक्सिंग एंड ऑल्टरिंग लेबल्स इन डेटा फ्रेम, आप डेटा फ्रेम के अंदर री इंडेक्सिंग कर सकते हो, लेबल्स को, कॉलम लेबल्स को ऑल्टर कर सकते हो, राइट। व्हेन वी क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, जब आप डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो, इट गेट्स इट्स रो नंबर्स और द इंडेक्सेस, राइट। बाय डिफॉल्ट उसको क्या मिलता है, इंडेक्सेस मिलते हैं और यू कैन से रो नंबर मिलते हैं, ओके, 0, 1, 2, 3 लाइक दिस, ओके, एंड द कॉलम लेबल्स ऑटोमेटिकली, और कॉलम लेबल्स भी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, फाइन। इंडेक्स रेफर्स टू द लेबल्स ऑफ एक्सेस 0, तो यहाँ पे जो वर्ड इंडेक्स हम यूज करते हैं वो बेसिकली किस लिए होता है, वो होता है आपके रोज के लिए, एक्सेस 0 के लिए, राइट। इंडेक्सेस जो वर्ड यूज किया जाता है वो रो लेबल्स के लिए किया जाता है, रो नेम्स के लिए किया जाता है, राइट। एंड कॉलम रेफर्स टू द लेबल्स ऑफ एक्सेस 1, और कॉलम यहाँ पे बेसिक ये क्या कहना चाहता है कि जो ये वाला एक्सेस है, रोज वाला एक्सेस है, राइट, इसको हम कंसीडर करते हैं 0 एक्सिस, ओके, एंड जो कॉलम वाला एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, इसको हम कंसीडर करते हैं एक्सिस 1, ओके, एंड रोज के इंडेक्सेस को, राइट, रो लेबल्स कहा जाता है, कॉलम के इंडेक्स को कॉलम लेबल्स कहा जाता है, फाइन। लेकिन अगर आप सिंपली इंडेक्स वर्ड यूज कर रहे हो तो इंडेक्स हमेशा रो लेबल्स के लिए ही यूज किया जाता है, ओके।
वी कैन चेंज द रो इंडेक्सेस एंड कॉलम लेबल्स. देखो यहाँ पे रो के साथ इंडेक्सेस यूज हुआ है, कॉलम के साथ लेबल्स यूज हुआ है, राइट. तो अगर सिंपल अगर आपको इंडेक्स वर्ड दिया गया है तो यू शुड नो डैट कि वो किसके लिए दिया गया है, रो के लिए दिया गया है. फाइन. We can change the row indexes and column labels of data frame by using various method. हम row index को भी change कर सकते हैं और column labels को भी change कर सकते हैं with the help of the various methods, with the help of the various functions provided by Pandas library of Python. ओके. तो पाइथन की पांडास लाइब्रेरी आपको कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करती है जिसकी हेल्प से आप डेटा फ्रेम की रोज इंडेक्सेस को चेंज कर सकते हैं एंड कॉलम लेबल्स को चेंज कर सकते हैं. ओके. सो फर्स्ट वी हैव रीनेम मेथड. रीनेम फंक्शन रीनेम्स द एग्जिस्टिंग इंडेक्सेस और कॉलम लेबल्स इन अ डेटा फ्रेम, राइट. तो रीनेम फंक्शन क्या करता है, जो ऑलरेडी आपके डिफॉल्ट इंडेक्स है, ओके, रो लेबल्स हैं, ओके, एंड कॉलम लेबल्स हैं, उनको क्या करता है, रीनेम करता है. अब उसको दोबारा से एक डिफरेंट नेम दे सकते हो, राइट. रीनेम फंक्शन का यूज करते हो तो आप रीनेम फंक्शन के अंदर कैसे चेंज करते हो, आप ओल्ड इंडेक्स नेम्स, ओके, एंड कॉलम लेबल्स को, राइट, ओल्ड इंडेक्स वैल्यूज को एंड कॉलम लेबल्स को एंड न्यू इंडेक्स वैल्यूज एंड कॉलम लेबल्स को एज अ डिक्शनरी पास करते हो रीनेम फंक्शन के अंदर. ओके. वेयर कीज आर द ओल्ड इंडेक्सेस, जहां पे कीज क्या होती है, ओल्ड इंडेक्स होता है, ओके, और कॉलम लेबल्स होता है, एंड द वैल्यूज ऑफ द की, और की की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, न्यू नेम. तो ये अभी मैं जब आप प्रैक्टिकली करोगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. आपको इतना समझना है कि रीनेम फंक्शन से आप इंडेक्सेस को एंड कॉलम लेबल्स को रीनेम कर सकते हो और रीनेम फंक्शन के अंदर आप ओल्ड इंडेक्स एंड न्यू इंडेक्स को, और यू कैन से ओल्ड कॉलम लेबल्स एंड न्यू कॉलम लेबल्स को पास करते हो इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, राइट, जिसमें की वैल्यू क्या होती है, मतलब की क्या होती है, की होती है आपका ओल्ड इंडेक्स या ओल्ड कॉलम लेबल, एंड आपकी वैल्यू होती है न्यू इंडेक्स या न्यू कॉलम लेबल, राइट. नाउ वी हैव द सिंटेक्स. इसका सिंटेक्स क्या है, डेटा फ्रेम डॉट रीनेम फंक्शन, ओके, एंड रीनेम फंक्शन के अंदर आप क्या करोगे, आप पैरामीटर पास करोगे इंडेक्स या फिर पैरामीटर पास करोगे कॉलम, जो भी आपको चेंज करना है, एंड यू विल गिव द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, राइट. यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट आपका पैरामीटर एक्सिस में आप बताओगे आप एक्सिस जीरो को यहाँ पे चेंज कर रहे हो या एक्सिस वन को चेंज कर रहे हो. जीरो मीन्स रो इंडेक्सेस एंड वन मीन्स कॉलम लेबल्स, राइट. इन प्लेस पैरामीटर क्या होता है, अगर इन प्लेस की वैल्यू ट्रू कर देते हो आप, राइट, बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स होती है, अगर इन प्लेस की वैल्यू आप ट्रू कर देते हो तो जो भी आप चेंज कर रहे हो वो क्या होगा, ओरिजिनल डेटा फ्रेम के अंदर होगा, फाइन. अदरवाइज अगर इन प्लेस फॉल्स है तो क्या होगा, आपको एक न्यू डेटा फ्रेम मिल जाएगा विद द डिजायर्ड चेंजेस, राइट. आपको न्यू डेटा फ्रेम मिलेगा जिसके अंदर चेंज होंगे नेम्स, बट ओरिजिनल डेटा फ्रेम में कोई चेंज नहीं होगा, फाइन. यहाँ पे देखो इंडेक्स और कॉलम्स क्या है, डिक्शनरी ऑफ ओल्ड एंड न्यू रो इंडेक्सेस और कॉलम लेबल्स, ओके. एक्सिस मैंने आपको बता दिया है, एक्सिस में या तो आप 0-1 डिफाइन कर सकते हो या फिर आप नेम भी लिख सकते हो, और इन प्लेस अगर ट्रू है तो क्या होगा, ये जो चेंज है वो किसमें होगा, ओरिजिनल डेटा फ्रेम होगा, ओके. नाउ वी विल डू इट प्रैक्टिकली, ओके. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, इम्पोर्ट पांडास एस पीडी, राइट. आपने पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लिया, राइट. इम्पोर्ट numpy एस एनपी, हमने numpy लाइब्रेरी को भी इम्पोर्ट कर लिया है, ओके. नाउ आप अब क्या क्रिएट कर रहे हो, एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हो यहाँ पर, राइट, क्योंकि हम किससे डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, डिक्शनरी से, फाइन. तो यहाँ पे मेरी की नेम है और इसकी वैल्यूज मैं दे देती हूँ यहाँ पर, देते हैं, ओके. नेक्स्ट हम ले लेते हैं इसके अंदर की एज, फाइन. इसकी वैल्यू भी हम एज अ लिस्ट दे देते हैं यहाँ पर, स्टूडेंट नेम्स ले लिए हैं, एज ले लिया है हमने, ठीक है.
ओके नेक्स्ट आप ले लो मार्क्स, आईपी के मार्क्स ले लो, राइट मैंने सिंपल मार्क्स लिख दिए थे, आईपी मार्क्स आप ले सकते थे 85 लिख देते इसमें। राइट हमारे पास डिक्शनरी आ गई है, अब हम क्या करेंगे डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे इस डिक्शनरी से। राइट डीएफ हमने एक वेरिएबल ले लिया है पीडी डॉट, अब डेटा फ्रेम फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर डेटा फ्रेम, ओके पीडी डॉट डेटा फ्रेम, पीडी आपका क्या है पांडास है, पांडास लाइब्रेरी है और पांडास लाइब्रेरी का फंक्शन है डेटा फ्रेम फंक्शन, राइट और इसमें आप पास कर दो अपनी डिक्शनरी को। फाइन हमने इसको पास कर दिया, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट करा देते हैं ओरिजिनल डेटा फ्रेम, ओरिजिनल डेटा फ्रेम कर देते हैं ठीक है, क्योंकि बाद में हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, और इसको हमने प्रिंट करा दिया डेटा फ्रेम को डीएफ। फाइन ओके अब हम एक स्टेटमेंट और ले लेते हैं यहां पर प्रिंट करा देते हैं, डेटा फ्रेम आफ्टर री इंडेक्सिंग रो इंडेक्सेस, ठीक है रोज के हम इंडेक्स चेंज करेंगे, अभी हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है राइट। पहले मैं आपको देखो डेटा फ्रेम दिखा देती हूँ, बन के आगे हमारा डेटा फ्रेम ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। सो दिस इज आवर डेटा फ्रेम ठीक है, यहाँ पे देखो आपके रो इंडेक्स क्या है 0, 1, 2, 3 एंड 4 फाइन, और आपके यहाँ पे कॉलम नेम्स क्या है, कॉलम नेम्स है जो आपके डिक्शनरी की कीज है नेम एज एंड मार्क्स राइट। तो अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर रो इंडेक्सेस को चेंज करना है ओके तो हम करेंगे रो इंडेक्सेस को चेंज यहाँ पर, इसके लिए हम क्या करते हैं एक ले लेते हैं df1 वेरिएबल राइट, क्योंकि हम ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज नहीं करें, हम चाहते हैं रिजल्ट में चेंज हो जाए। df डॉट डेटा फ्रेम का कौन सा फंक्शन हम यूज करेंगे, रीनेम फंक्शन। फाइन उसके अंदर हमने पैरामीटर पास कर दिया इंडेक्स, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इंडेक्स चेंज करना है राइट। तो देखो आपका यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू दी हुई है राइट उस पर आप कर दो, उसको मैं चेंज कर देती हूँ फर्स्ट स्टूडेंट या फर्स्ट टू कर दो ओनली राइट, फर्स्ट स्टूडेंट फर्स्ट टू कर दो। देन वन इंडेक्स पे आपकी जो वैल्यू है सॉरी वन जो इंडेक्स है उसको आप चेंज कर दो सेकंड टू, ओके देन टू का जो है उसको आप कर दो थर्ड राइट फाइन, एंड थ्री है आपका जो इंडेक्स उसको हम कर देते हैं फोर्थ ओके टू फाइन, एंड जो फोर इंडेक्स वैल्यू है उसको हम कर देते हैं फिफ्थ टू राइट। अब यहाँ पे एक चीज देखो आप, यहाँ पे आपने क्या कौन सा पैरामीटर पास किया, इंडेक्स पैरामीटर पास किया है ओके, और इंडेक्स पैरामीटर में जो आपने वैल्यू पास की है एज अ डिक्शनरी ओके, जो इसको इनिशियलाइज किया है इंडेक्स पैरामीटर को जो वैल्यू दी है वो क्या किस फॉर्म में है, डिक्शनरी की फॉर्म में है राइट। और इसके अंदर आपने क्या किया है ओल्ड इंडेक्स वैल्यू एंड न्यू इंडेक्स वैल्यू राइट, ओल्ड इंडेक्स वैल्यू क्या है की और न्यू इंडेक्स वैल्यू क्या है उस इसकी की वैल्यू, समझ में आया, ओल्ड इंडेक्स वैल्यू आपने एज अ की दी है और न्यू इंडेक्स वैल्यू आपने एज अ की वैल्यू दी है राइट। इन द सेम वे ओल्ड इंडेक्स वैल्यू एंड न्यू इंडेक्स वैल्यू, ओल्ड इंडेक्स वैल्यू एंड न्यू इंडेक्स वैल्यू राइट ओके। नाउ चेंज कर दिया, अब हम क्या करा देंगे प्रिंट करा देंगे, प्रिंट df1 को आपने प्रिंट करा दिया, इसको एग्जीक्यूट करना है। नाउ यू कैन सी हियर, अब पहले आपका क्या था इंडेक्स, रो इंडेक्स क्या थे 0, 1, 2, 3, 4, अब क्या है फर्स्ट टू सेकंड टू थर्ड टू टू जो भी जो आपने दिए फाइन, तो यहां पे आपने क्या किया है रो इंडेक्सेस को चेंज कर दिया ओके ओके। अब मैं क्या करती हूँ इसी प्रोग्राम में, अगर मैं चाहती हूँ कॉलम
लेबल्स को चेंज करना। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स पैरामीटर की जगह क्या कर दूंगी, मैं कर दूंगी कॉलम्स, COLUMNS कॉलम्स, राइट। और वही इसी फॉर्म में हमें डिक्शनरी की फॉर्म में देना है, ओल्ड कॉलम नेम एंड न्यू कॉलम नेम, राइट। ओल्ड कॉलम नेम मेरा क्या है, नेम है, नेम, और न्यू कॉलम नेम मैं दे देती हूँ टू नेम, फाइन। देन मेरा क्या है, एज, एज, राइट, इसको हम कर देते हैं टू एज, फाइन, ओके। आपका नेक्स्ट जो कॉलम नेम है वो क्या है, मार्क्स, मार्क्स है, इसको हम कर देते हैं आईपी, दिस इज आईपी, आईपी मार्क्स, राइट। और ये हम रेस्ट ऑफ द डेटा, इसको आप डिलीट कर दो, फाइन। तो यहाँ पे देखो मैंने आप कौन सा पैरामीटर दिया है, कॉलम्स पैरामीटर दिया है, राइट। आपका ओल्ड कॉलम नेम है यहाँ एज अ की है एंड न्यू कॉलम नेम एज अ वैल्यू है, ओके, राइट। नाउ अब इसको क्या करना है, हम सिंपली एग्जीक्यूट कर देते हैं। नाउ अब आप इसको देखो, आपके पहले जो कॉलम नेम्स थे वो क्या थे, नेम, एज, मार्क्स, राइट। अब आपके क्या है, टू नेम, टू एज एंड आईपी मार्क्स, जो आपने क्या किया है, चेंज किया है। तो यहाँ पे हमने क्या, रीनेम फंक्शन की हेल्प से हमने कॉलम लेबल्स को चेंज किया है एंड रो इंडेक्सेस को चेंज किया है, ओके। अगर आप कॉलम लेबल नहीं दे पास करना चाहते हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ से कॉलम लेबल हटा दो, फाइन। और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक्सिस बताना है कि किस एक्सिस पे आपको ये चेंज करना है, राइट। तो यहाँ पे हम एक्सिस पैरामीटर को पास कर देते हैं और मैं बता देती हूँ वन, यहाँ पे वन मीन्स आपका कॉलम एक्सिस, राइट। अब नाउ इसको आप एग्जीक्यूट करो, सी आपका सेम चेंज आया है, राइट। जैसे पहले आपने कॉलम लेबल दिया था तब आपका क्या हुआ था, नेम चेंज हुए थे इन द सेम वे, अभी आपने एक्सिस वन दे दिया है, एक्सिस वन स्टैंड फॉर द कॉलम एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे आपके नेम्स चेंज होके आ गए, कॉलम लेबल्स चेंज होके आ गए, ओके। नेक्स्ट फंक्शन इज री इंडेक्स मेथड, राइट। इससे पहले हमने रीनेम किया था, अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या है, री इंडेक्स मेथड, राइट। द फंक्शन री इंडेक्स इज यूज टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द एग्जिस्टिंग इंडेक्सेस एंड लेबल्स। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो आपका एक पर्टिकुलर डिफॉल्ट ऑर्डर होता है, राइट, रो इंडेक्सेस का एंड कॉलम लेबल्स का, उसको आप चेंज कर सकते हो, फाइन। If the mentioned axes or columns do not exist in the data frame, these will be added as per the mentioned order and by default NaN values are filled in them. तो ये कह रहा है कि अगर आपने न्यू ऑर्डर दिया, ठीक है, रो इंडेक्सेस का या कॉलम लेबल्स का, ओके, एंड आपने क्या किया, उसमें एक्स्ट्रा इंडेक्सेस या एक्स्ट्रा कॉलम लेबल्स ऐड कर दिए, तो क्या होगा, वो आपके जो रिजल्टेंट, मतलब जो आउटपुट डेटा फ्रेम में है, वो कॉलम ऐड हो जाएंगे, वो रोज ऐड हो जाएंगी, पर उनकी वैल्यूज क्या होंगी, उनकी वैल्यूज NaN वैल्यूज होगी, नॉट अ नंबर वैल्यू, राइट, ओके। सिंटेक्स क्या है इसका, डेटा फ्रेम डॉट री इंडेक्स फंक्शन, और री इंडेक्स फंक्शन के अंदर आप पास करोगे इंडेक्स और कॉलम्स, राइट, इंडेक्स की वैल्यू और कॉलम्स की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, इसमें भी आप एज अ डिक्शनरी पास करोगे, राइट, एक्सेस की वैल्यू आप पास कर सकते हो, ओके, एक्सेस वन और जीरो, जो भी एक्सेस आपको चेंज करना है, रो एक्सेस आपको चेंज करना है या आपको कॉलम एक्सेस चेंज करना है, फिल वैल्यू, फिल अंडरस्कोर वैल्यू, फिल अंडरस्कोर वैल्यूज में अगर आप कोई वैल्यू देते हो तो जो भी आपने न्यू रो ऐड की है या न्यू कॉलम ऐड किया है वो वैल्यू उसमें जाके ऐड हो जाएगी, फाइन। तो अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ओके। अब इसको हम क्या करते हैं, सेम प्रोग्राम में हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर, यहाँ से हम ये हटा देते हैं, रीनेम हम कर चुके हैं, फाइन, सी, इसको हटा दिया, आपके पास डेटा फ्रेम बना हुआ है डीएफ नेम से, ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे री इंडेक्सिंग कर रहे हैं, ओके, यहाँ पे हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, फाइन। तो यहाँ पे देखो आप क्या कैसे करोगे, यहाँ पे मैंने डीएफ वन लिया, ओके, एंड
अब df डॉट रीइंडेक्स, रीइंडेक्स फंक्शन का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, फाइन। तो मैं पहले क्या करती हूँ, कॉलम का ऑर्डर चेंज करती हूँ। तो मैं यहाँ पे हेडिंग हम चेंज कर देते हैं, चेंजिंग कॉलम ऑर्डर कर दो, ठीक है, चेंजिंग, ओके, कॉलम ऑर्डर इन डेटा फ्रेम, ठीक है, कॉलम ऑर्डर हम चेंज कर रहे हैं। रीइंडेक्सिंग, रीइंडेक्स फंक्शन की हेल्प से आप क्या चेंज कर सकते हो, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो कॉलम्स का, कॉलम लेबल्स का एंड रो लेबल्स का, रो इंडेक्सेस का, फाइन। तो मैं यहाँ पे df डॉट रीइंडेक्स फंक्शन के अंदर क्या करूंगी, मैं न्यू लिस्ट दे दूंगी कॉलम नेम्स की, जो भी मुझे चेंज करना है, फाइन। मैंने यहाँ पे दे दिया एज, राइट, मार्क्स, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास नेम है, नेम की जगह मैंने क्या दे दिया, एज दे दिया है, ओके। उसके बाद मार्क्स दे दिया है, और मार्क्स के बाद मैंने दे दिया है नेम, फाइन। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कॉलम्स पैरामीटर को पास नहीं किया, तो यहाँ पे कॉलम्स पैरामीटर पास नहीं किया तो आपको एक्सेस पैरामीटर देना पड़ेगा, उसमें बताना पड़ेगा ये कौन सा एक्सेस है, वन एक्सेस है, राइट। अदरवाइज आपको कॉलम पैरामीटर यहाँ पे पास करना होता, तो मैंने कॉलम पैरामीटर पास नहीं किया, सिंपली आप क्या किया है, न्यू लिस्ट दे दी है कॉलम लेबल्स की जो मैं चेंज करना चाहती हूँ ऑर्डर, और एक्सेस बता दिया है मैंने वन, राइट, ओके। अब आप इसको एग्जीक्यूट करो, नो, आप यहाँ पे देखो, पहले आपका जो फर्स्ट कॉलम था वो नेम था, देन एज था, देन आपका मार्क्स था, ओके। नो, अब यहाँ पे देखो, आपका जो फर्स्ट कॉलम है वो एज है, देन मार्क्स है, देन नेम है। आपने क्या किया है, अपने कॉलम्स का ऑर्डर चेंज कर दिया है, फाइन, ओके। और अगर देखो यहाँ पे अगर आप एक्सेस नहीं देते तो यहाँ पे आपको कॉलम पैरामीटर देना होता लाइक दिस, तो इसका ध्यान रखना है, या तो कॉलम पैरामीटर दो या फिर एक्सेस डिफाइन करो, राइट, कॉलम्स इक्वल्स टू दिस, फाइन। तो अगर आपने कॉलम्स पैरामीटर दे दिया तो आपको यहाँ पे एक्सेस डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इसको आप एग्जीक्यूट करोगे, सेम रिजल्ट, फाइन, ओके, चेंज होके आ गया एज, मार्क्स एंड नेम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉलम लेबल्स का ऑर्डर चेंज किया है, ओके, ओके। अब देखो मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर मैं ऑर्डर चेंज करते टाइम मैंने क्या किया, एक और यहाँ पे नेम पास कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे नेम दे दिया क्लास, क्लास दे दिया, फाइन। तो इसमें क्या है, हम रीनेम, रीइंडेक्स फंक्शन की हेल्प से न्यू कॉलम्स एंड न्यू रोज को भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम नेम दे दिया है क्लास, तो क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, पर इसकी वैल्यूज क्या होगी, एन ए एन वैल्यू होगी, फाइन। आप देखो इसको एग्जीक्यूट करो, अब देखो यहाँ पे आपका ये क्लास नेम का एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो गया है, सारी वैल्यूज क्या है इसकी, एन ए एन वैल्यूज है, फाइन। बट मैं चाहती हूँ एन ए एन वैल्यू ना आए, इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू आए, तो आप कौन से पैरामीटर का यूज करोगे, यहाँ पे आप यूज करोगे फिल वैल्यू का, फिल अंडरस्कोर वैल्यू, और इसके अंदर मैं एक वैल्यू दे देती हूँ, मैं यहाँ पे दे देती हूँ 12a, फाइन। मैंने फिल अंडरस्कोर वैल्यू पैरामीटर का यूज किया, उसमें वैल्यू दे दी है 12a, राइट, क्लास। अब एग्जीक्यूट करेंगे, देखो अब यहाँ पे क्या है, इस कॉलम की सारी वैल्यूज क्या आ गई हैं, 12a, राइट। तो आपने क्या किया है, यहाँ पे वैल्यूज दे दिए हैं, एक कॉलम न्यू ऐड कर दिया है और उस कॉलम को वैल्यूज भी दे दिए, फाइन, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम चेंज करते हैं इंडेक्स का ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर चेंज कर देते हैं, चेंजिंग, सॉरी, इंडेक्स ऑर्डर इन डेटा फ्रेम, ओके, और यहां पे आप दे दो इंडेक्स करके भी, चलो इंडेक्स हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, नहीं तो आप सिंपली भी दे सकते हो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो रो इंडेक्स को ही लेता है, तो हम यहाँ पे देते हैं इंडेक्स, राइट, और इंडेक्स में आपने दे दिया एज अ लिस्ट के टू इंडेक्स पहले आए, देन वन, देन जीरो, देन थ्री एंड देन फोर, फाइन। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देखो अब पहले आपकी इंडेक्स वैल्यू क्या थी, 0, 1, 2, 3, 4, ओके, ये था ऑर्डर। अब आपका इंडेक्स का ऑर्डर चेंज हो चुका है, अब आ गया 2, 1, 0, 3, 4, जो आपने चेंज करके दिया था,
फाइन। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने इंडेक्स को क्या कर दिया है, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज सेट सेट इंडेक्स, और यू कैन से सेट अंडरस्कोर इंडेक्स, राइट। बाय यूजिंग सेट अंडरस्कोर इंडेक्स मेथड वी कैन सिलेक्ट सम अदर कॉलम टू बी द इंडेक्स, और वी कैन एड अनदर इंडेक्स कॉलम। तो इसका, इस फंक्शन का क्या यूज है, इसकी हेल्प से जो आपका डिफॉल्ट इंडेक्स होता है रो इंडेक्स 0, 1, 2, 3, आप उसको चेंज करके किसी कॉलम को एज अ इंडेक्स बना सकते हो। फाइन, तो इसका सिंटेक्स क्या है, डेटा फ्रेम डॉट सेट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन, और उसमें आप उस कॉलम का नेम पास करोगे जिसको आप क्या बनाना चाहते हो, न्यू इंडेक्स बनाना चाहते हो। फाइन, तो लेट अस डू इट प्रैक्टिकली। ओके, अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हम रीइंडेक्स फंक्शन का यूज कर चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक न्यू डिफॉल्ट इंडेक्स को हटाकर एक कॉलम को एज अ इंडेक्स बना रहे हैं, राइट। तो आप यहाँ पे हेडिंग चेंज कर सकते हो, मेकिंग नेम कॉलम एज रो इंडेक्स, राइट। तो नेम कॉलम को हम क्या करेंगे, रो इंडेक्स बनाएंगे। तो इसके लिए df1 आपने ले लिया, ओके, df डॉट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स, राइट, और इसके अंदर मैं दे देती हूँ नेम कॉलम को। फाइन, नेम कॉलम आ गया हमारा, इसको एग्जीक्यूट करो आप। अब यहाँ पे देखो, पहले आपका रो इंडेक्स क्या था, 0, 1, 2, 3, 4, राइट। अब आपका रो इंडेक्स क्या बन गया है, आपका नेम कॉलम एज अ रो इंडेक्स बन गया है। फाइन, रो कॉलम, नेम कॉलम क्या बन गया है, इंडेक्स बन गया है, किसका, रोज का इंडेक्स। फाइन, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, एक कॉलम को एज अ इंडेक्स सेट किया है, ओके, विद द हेल्प ऑफ सेट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन। नेक्स्ट वी हैव डिलीटिंग इंडेक्स। अगर आप इंडेक्स को डिलीट करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए हमारे पास क्या है, ड्रॉप मेथड, ड्रॉप फंक्शन, और यू कैन से ड्रॉप मेथड इज यूज्ड टू डिलीट द इंडेक्सेस इन अ डेटा फ्रेम। इंडेक्सेस को डिलीट करने के लिए आपके पास ड्रॉप फंक्शन है, और इसको आप कैसे यूज करेंगे, df.drop फंक्शन, और ड्रॉप फंक्शन के अंदर आप पास करोगे इंडेक्स वैल्यूज को एज अ लिस्ट, ओके, और एज अ सिंगल वैल्यू, जिसको जो इंडेक्स आप क्या करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, राइट। ओके, इसको प्रैक्टिकली करेंगे अभी। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देती हूँ। फाइन, df.drop फंक्शन के अंदर आप दे दो इंडेक्स पैरामीटर को हमने पास कर दिया है, और एज अ लिस्ट आपको इंडेक्स वैल्यू देनी है। जैसे मुझे 1 को डिलीट करना है, तो मैंने ओनली अभी यहाँ पे 1 दिया है, राइट, इंडेक्स इक्वल्स टू, और लिस्ट एज अ लिस्ट मैंने आपको दे दिया है 1। फाइन, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सी, अब आप देखो जो आपका रिजल्टेंट आपका डेटा फ्रेम आया है, फाइन, उसमें आपका इंडेक्स जो 1 था, फाइन, वो रो क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। ओके, अगर आपको मल्टीपल रोज डिलीट करनी है, तो जैसे मैं 1 तो ऑलरेडी डिलीट कर चुकी हूँ, मैं यहाँ पे दे देती हूँ इंडेक्स 0 एंड 3। फाइन, तो मेरा क्या होगा, 0 एंड 3 इंडेक्स वैल्यूज डिलीट हो जाएंगी। फाइन, तो अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ सी, आपका क्या है, आपका इंडेक्स 0 एंड 3 डिलीट हो गया। अब देखो 1 आ गया है, 1 क्यों आ गया, क्योंकि मैंने इन प्लेस यहाँ पे इक्वल्स टू ट्रू नहीं किया है। तो ओरिजिनल यहाँ पे जो डेटा फ्रेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं इन प्लेस 2 दे दूंगी, तो क्या होगा, ओरिजिनल डेटा फ्रेम में भी ये वैल्यूज, ये रोज डिलीट हो जाएंगे। फाइन, इज पिविटिंग, पिविटिंग इज बेसिकली यूज फॉर रीशेपिंग डेटा ऑफ डेटा फ्रेम। पिविटिंग का यूज किया जाता है डेटा फ्रेम की डेटा को रीशेप करने के लिए। रीशेप का मतलब आप रोज एंड कॉलम्स की पोजीशन को चेंज करते हो। ओके, देयर आर टू फंक्शंस अवेलेबल इन पाइथन पांडास फॉर पिविटिंग डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम की पिविटिंग के लिए हमारे पास दो फंक्शंस हैं, पिवट फंक्शन एंड पिवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन। ओके, नाउ वी हैव पिवट फंक्शन। पिवट मेथड क्रिएट्स अ न्यू डेटा फ्रेम आफ्टर रीशेपिंग द डेटा बेस्ड ऑन कॉलम वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पे पिवट फंक्शन से हम क्या कर रहे हैं, डेटा फ्रेम को रीशेप कर रहे हैं, उसकी शेप को चेंज कर रहे हैं, राइट और किस बेसिस पे, कॉलम की बेसिस पे, जो आपके ओरिजिनल डेटा फ्रेम के जो कॉलम्स थे, ओके, उनको रीअरेंज करके, रीशेप करके आप एक न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिवट फंक्शन, राइट। दिस मेथड टेक्स 3 आर्ग्यूमेंट। पिवट फंक्शन के अंदर, पिवट मेथड के अंदर आप 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे, इंडेक्स, कॉलम्स एंड वैल्यूज। तो इंडेक्स
आउट ऑफ दीज थ्री आर्ग्यूमेंट्स अ मिनिमम ऑफ टू आर्ग्यूमेंट्स हैव टू बी गिवन. तो इन तीन में से आपको दो तो देनी ही देनी है, राइट ओके. तो यहाँ पे सिंटेक्स हमारा क्या है, पांडास डॉट पीवेट फंक्शन, और पीवेट फंक्शन के अंदर आप पास करोगे इंडेक्स, कॉलम एंड वैल्यूज, राइट ओके. एज अ वैल्यू फॉर ईच ऑफ दीज पैरामीटर्स वी नीड टू स्पेसिफाई अ कॉलम नेम फ्रॉम ओरिजिनल टेबल. अब यहाँ पे जो हम इंडेक्स दे रहे हैं न्यू डेटा फ्रेम के लिए दे रहे हैं ना, न्यू डेटा फ्रेम के लिए हम इंडेक्स दे रहे हैं, न्यू डेटा फ्रेम की कॉलम्स बता रहे हैं एंड न्यू डेटा फ्रेम की वैल्यूज बता रहे हैं. तो इन तीनों के लिए ही हम क्या करेंगे, जो आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम है जिसको आप रीशेप कर रहे हो उसके कॉलम्स आप डिफाइन करोगे, ठीक है. मतलब उसके कॉलम्स को आप पास करोगे, इंडेक्स के लिए आप कॉलम को पास करोगे, कॉलम्स बनाने के लिए आप कॉलम्स को पास करोगे एंड वैल्यूज के लिए भी आप कॉलम्स को ही पास करोगे, राइट. कॉलम्स होंगे एंड वैल्यूज क्रिएट्स कॉलम ऑफ न्यू डेटा फ्रेम. आपका जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम होगा उसके जितने भी कॉलम्स होंगे, राइट, उन कॉलम्स को आप क्या बनाओगे, जो आपका रीशेपिंग, जो आप जिस इसको रीशेप करके आप न्यू डेटा फ्रेम बनाओगे. और कैसे बनाओगे, इसके कुछ मतलब एक कॉलम को लेट अस सपोज आपने इंडेक्स बना दिया, ओके, बाकी कॉलम्स को आपने कॉलम्स बना दिया, ओके, एंड जो रेस्ट ऑफ द कॉलम्स हैं वो क्या आ जाएंगे, वो एज अ वैल्यू आ जाएंगे, फाइन. इसको हम अभी करके देखते हैं, देन यू विल गेट टू नो कि कैसे होता है, ओके ओके. सो लेट अस क्रिएट डेटा फ्रेम फर्स्ट, क्योंकि हमें क्या करना है, डेटा फ्रेम को रीशेप करना है. तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ, पिवटिंग यूजिंग, क्योंकि अभी हम किसका यूज कर रहे हैं, पिवट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, पिवट फंक्शन, राइट ओके. तो फर्स्ट आपका स्टेप है डेटा फ्रेम क्रिएट करना. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इंपोर्ट पांडास एस पी डी, ओके. हमने क्या किया है, पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है. नाउ वी विल क्रिएट अ डिक्शनरी, क्योंकि हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे डिक्शनरी से, राइट. तो मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट करती हूँ, ओके. यहाँ पे मैंने की ले ली इसकी नेम, राइट. देन वी विल गिव द वैल्यूज एज अ लिस्ट, राइट. तो मैं यहाँ पे वैल्यूज जो दूंगी वो एज अ लिस्ट दूंगी, ओके. तो हम यहाँ पे यहाँ वैल्यूज दे देते हैं. दिस इज योर फर्स्ट नेम, देन वी हैव सेकेंड नेम, थर्ड नेम एंड फोर्थ नेम, फाइन नेम्स. नेक्स्ट आप ले लो सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट एज कीज एंड द वैल्यूज एज अ लिस्ट, राइट. तो यहां पे हम सब्जेक्ट ले लेते हैं आईपी CS, Mass, and one more Physics, right? Next we will take marks. Marks 98. Then 87, 99 and 80. Okay, next column we have grade. So here I am giving the grades A1, then A2. Then we have again A1 and B. Okay, so here we have created our dictionary. हमने अपनी dictionary बना ली है. Okay, अब इस dictionary का use करते हैं हम data frame create करने के लिए. इसको हम करेंगे pd dot data frame function का use यहाँ पे. Data frame, okay, और इसमें कर देंगे dictionary को pass. Fine. और आप अब इसको प्रिंट करा दो. अभी हमने क्या किया है, सिर्फ डिक्शनरी क्रिएट की है, फिर हम क्या करेंगे उसकी रीशेपिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिवटिंग, राइट ओके. नाउ एग्जीक्यूट दिस,
ओके सो दिस इज आवर डेटा फ्रेम, ये हमारा डेटा फ्रेम है जिसके कॉलम्स क्या है, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स एंड ग्रेड. ओके एंड दीज आर द वैल्यूज. ओके अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको रीअरेंज करना है बाय यूजिंग द पिवट फंक्शन. तो हम इसको रीअरेंज करेंगे. ओके रीअरेंज करने के लिए हम हेडिंग दे देते हैं पहले, हम दे देते हैं हेडिंग क्रिएटिंग अ पिवट टेबल. ओके यूजिंग पिवट फंक्शन. ओके सो अब हमने एक वेरिएबल ले लिया पीवी, नेम से ले लेते हैं. ओके राइट और अब इसका हम सिंटैक्स देंगे डीएफ डेटा फ्रेम डॉट पीवट. ओके डेटा फ्रेम डॉट पीवट राइट एंड इसके अंदर आप दोगे इंडेक्स, इंडेक्स दोगे तो मैं जो मेरा पहले जो डेटा फ्रेम बना था उसके नेम कॉलम को एज अ इंडेक्स यहाँ पे बना देती हूँ. तो मैंने इसका नेम कॉलम ले लिया एज अ इंडेक्स, फाइन. और जो इसके कॉलम्स होंगे COLUMNS राइट, कॉलम्स में मैंने दे दिया सब्जेक्ट. ओके यहाँ पे मैं सब्जेक्ट दे देती हूँ, सब्जेक्ट फाइन. और जो वैल्यूज हो, वैल्यूज में मैंने दे दिया जो कॉलम्स की वैल्यूज होंगी राइट, जो कॉलम्स की वैल्यूज होंगी उसमें मैंने दे दिया मार्क्स, फाइन. उसमें दे दिया मैंने मार्क्स. और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब अपना जो हमने न्यू डेटा फ्रेम रीशेप किया है पीवी, ओके उसको हम प्रिंट करा देंगे. अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे जो मेरा प्रीवियस डेटा फ्रेम जो मैंने प्रिंट कराया है राइट, उसके साथ में दे देती हूँ स्लैश एन, जिससे क्या होगा वन लाइन का गैप आ जाएगा तो आप इजिली दोनों को देख सकोगे. अब यहाँ पे हम करते हैं इसको एग्जीक्यूट. नाउ लुक एट दिस, अब ये जो आपका डेटा फ्रेम आया है फाइन, उसमें देखो नेम जो कॉलम था वो क्या बन गया है, इंडेक्स बन गया है फाइन. सब्जेक्ट कॉलम जो सब्जेक्ट था वो क्या बन गया है, वो कॉलम्स बन गए, सी एस आई पी राइट, ये क्या बन गए हैं आपके कॉलम्स बन गए फाइन. और आपकी जो वैल्यूज थी, मार्क्स थी, मार्क्स मार्क्स देखो मार्क्स आपकी ये जो है मार्क्स आपके, ओके ये क्या बन गए हैं आपके वैल्यूज बन गए कॉलम्स की फाइन. तो यहाँ पे हमने क्या क्रिएट किया है, पिवट फंक्शन की हेल्प से हमने क्या किया है, डेटा फ्रेम को रीशेप किया है. ओके अब यहाँ पे देखो सीएस में क्या है, आपके पास वैल्यू है राइट, और रेस्ट ऑफ द जो आपका कॉलम वैल्यूज है वो एन एन है राइट. ऐसे ही आईपी में जो है यहाँ पे आपकी वैल्यू है, रेस्ट ऑफ द जो उसकी सेल्स है कॉलम कॉलम की जो बाकी की सेल्स है वो क्या है, एन एन है राइट. और अगर आप चाहते हो ये एन एन डिस्प्ले ना हो फाइन, तो उसके लिए आप क्या करो एन एन की जगह स्पेस आ जाए. ओके तो उसके लिए आप कौन सा पैरामीटर, कौन सी आर्गुमेंट पास करोगे, उसके लिए आप यूज करोगे, पैरामीटर नहीं पास करेंगे यहाँ पे हम फंक्शन का यूज करेंगे. हाँ यहाँ पे हम फिल एन ए फंक्शन का यूज करेंगे राइट, फिल एन ए फंक्शन का. ओके तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस एन ए एन को हटाते हैं और हम यूज करते हैं डॉट फिल एन ए. ओके और किसको एन ए को हम किससे फिल करेंगे, हम उसको फिल करेंगे स्पेस से राइट. एन ए एन ना आए, एन ए की प्लेस पे क्या आ जाए, स्पेस आ जाए. ओके अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे. सी अब क्या है, हमारे पास सिंपल वैल्यूज आ गई है राइट, और जहां पे एन ए एन लिखा था उसकी प्लेस पे क्या आ गया है, स्पेस आ गया. ओके ओके नाउ नेक्स्ट वी विल डू पिवटिंग यूजिंग मल्टीपल कॉलम्स. ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेडिंग दे देते हैं पिवटिंग, पिवटिंग यूजिंग मल्टीपल कॉलम्स. ओके अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए हम सिंपल आप करोगे, हमने एक वेरिएबल ले लिया मल्टीपल कॉलम्स, डिलीट हो गया मल्टीपल कॉलम्स, सी ओ एल यू एम एन एस कॉलम्स राइट. तो हमने एक वेरिएबल ले लिया पीवी इक्वल्स टू डीएफ, डीएफ आपका क्या है, डेटा फ्रेम. ओके अब यहाँ पे हम पीवट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, पीवट ओके राइट. इंडेक्स में हम दे देते हैं अगेन नेम, नेम कॉलम दे दिया ओके एंड
कॉलम्स में आपने सब्जेक्ट दे दिया, राइट right? अब यहाँ पे हमने क्या किया है, वैल्यूज, ओके, वैल्यू एट्रीब्यूट को नहीं पास किया है हमने। दो एट्रीब्यूट जो मैंडेटरी होता है कि दो एट्रीब्यूट तो आप पिवट फंक्शन के अंदर पास करोगे, राइट right? तो हमने इंडेक्स दे दिया है, जो इंडेक्स बनेगा, जो कॉलम इंडेक्स बनेगा और जो कॉलम्स बनेंगे, राइट सब्जेक्ट, फाइन। हमने यहाँ पे वैल्यूज नहीं दिया, वैल्यूज वैल्यू पैरामीटर को, और यू कैन से वैल्यू आर्ग्यूमेंट को स्किप कर दिया है, ओके okay? तो इसका क्या होता है, इफ यू स्किप द वैल्यू आर्ग्यूमेंट इट विल कंसीडर द रेस्ट ऑफ द कॉलम्स फॉर वैल्यूज ऑटोमेटिकली। अगर आप वैल्यू आर्ग्यूमेंट को स्किप करते हो तो जितने भी कॉलम अब बचे हैं, आपने एक कॉलम को इंडेक्स बना दिया, एक को सब्जेक्ट बना दिया, बाकी के जितने भी कॉलम बचते हैं वो क्या बन जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यूज बन जाते हैं, ठीक है, वो आपकी वैल्यूज बन जाएंगे, फाइन, ओके। अब यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है, और आपने इसको प्रिंट करा दिया, ओके, समझ में आया। आपने वैल्यू पैरामीटर को स्किप किया है तो वो क्या बन गया है, वैल्यू पैरामीटर स्किप करने से जितने भी कॉलम्स जो बचे हुए हैं, राइट, वो क्या बन जाएंगे, वो वैल्यूज बन जाएंगे, फाइन। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम प्रिंट कराते हैं। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे देखो आपके दो कॉलम्स बचे थे, मार्क्स और ग्रेड, राइट। तो अब यहाँ पे देखो मार्क्स, ये आपका मार्क्स है, ओके, ये आपका ग्रेड है, फाइन। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स की टेबल आ गई है, आपकी मार्क्स की टेबल भी आ गई है, आपकी ग्रेड की टेबल भी आ गई है। इंडेक्स आपका क्या है, इंडेक्स में आपने नेम कॉलम दिया था तो नेम कॉलम आ गया है, आपका नेम कॉलम था तो नेम कॉलम आ गया है, ठीक है। कॉलम्स में आपने सब्जेक्ट दिया था, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट आ गए हैं, सीएस, आईपी, मैथ्स, फिजिक्स, राइट, ओके। एंड जो कॉलम्स बचे थे, मार्क्स और आपका ग्रेड बचा था, ओके, उनकी क्या बन गई है, टेबल बन गई है, यहाँ पे मार्क्स की टेबल बन गई है, सीएस, आईपी, मैथ्स, फिजिक्स के मार्क्स आ गए हैं, और यहाँ पे ग्रेड की टेबल आ गई है, सीएस, आईपी, मैथ्स और फिजिक्स के आपके ग्रेड आ गए हैं, फाइन, ओके, नाउ, ओके। अब हमारा जो पिवट फंक्शन होता है उसके साथ एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम क्या होती है, जब उसके अंदर कॉलम्स के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज आती है तो वो क्या शो करता है, वैल्यू एरर शो करता है, फाइन। तो मैं ये करके दिखाती हूँ कैसे ये प्रॉब्लम आती है और कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डेटा फ्रेम अगेन क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम क्या डालेंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज डालेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेडिंग डाल देते हैं प्रॉब्लम विद पिवट फंक्शन, राइट। इसमें हमने कर दिया इम्पोर्ट पांडास एस पीडी, ओके। डेटा हम ले लेते हैं इसके अंदर, हमने ले लिया, लेट सपोज आपने ले लिया, डेटा क्या है, हम डिक्शनरी बना रहे हैं, ठीक है, ये तो डेटा क्या है, हमारा डिक्शनरी है, आइटम फाइन। तो हम एज अ लिस्ट आइटम दे देते हैं, एज अ लिस्ट हम आइटम, ओके, सो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज दे देते हैं, राइट, अगेन पेन, ओके, देन वी विल गिव पेंसिल, अगेन पेंसिल, राइट, देन ये हम डेटा फ्रेम इंटेंशनली बना रहे हैं, ओके, क्योंकि इसमें हम रिपीटेड वैल्यूज देना चाहते हैं। Why? Because आपका जो पिवट फंक्शन है वो रिपीटेड वैल्यू के साथ वर्क नहीं करता है, फाइन, उसको दिखाने के लिए, और फिर उसके लिए हम क्या अल्टरनेट यूज करेंगे उसको दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट बना लिया है अपना की वैल्यू पेयर, अब हम सेकंड बनाएंगे, ओके, सेकंड आप ले लो कलर, ओके, कलर में आप लिस्ट एज अ लिस्ट ले लो, लेते हैं ब्लू,
प्राइस, ओके प्राइस आप ले लो इन रुपीज, तो हम यहाँ पे रुपीज ले लेते हैं, प्राइस इन रुपीज, फाइन वो हम लेंगे 10, 25, 7, 5, 50, 20, राइट, ओके okay. अब हम लेते हैं स्टॉक, ठीक है, कि कितनी कितना स्टॉक है उसका, मतलब कितने वो है, जो आपकी कितने पेंस हैं स्टॉक में, कितने पेंस हैं, राइट, कितनी पेंसिल्स हैं, ओके तो हम स्टॉक ले लेते हैं, स्टॉक में आप ले लो यहाँ पे जैसे आपके पास 50, 10, 45, 34, 55, 14, राइट, ओके तो ये हमने क्या किया है, हमने अपनी डिक्शनरी क्रिएट कर ली है, राइट, अब इस डिक्शनरी से हम क्या करेंगे, अपना डेटा फ्रेम बनाएंगे, ओके और आप इसको प्रिंट कर दोगे, आपने अपना डेटा फ्रेम प्रिंट कर दिया, फाइन हम अब इसको प्रिंट कर देते हैं, सी, ओके ये आपका डेटा फ्रेम आ गया है, राइट, इसके कॉलम्स आ गए आइटम कलर प्राइस स्टॉक, राइट, दिस इज योर डेटा फ्रेम, फाइन अब देखो, अब इस डेटा फ्रेम को अगर हम रीशेप करेंगे, राइट, इसको हम रीशेप करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एरर आएगी, वैल्यू एरर आएगी, क्योंकि पिवट फंक्शन आपके डुप्लीकेट वैल्यूज के साथ वर्क नहीं करता है, ओके सो आई एम गोइंग टू शो यू दिस, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पिवट फंक्शन का यूज करेंगे df डॉट रीशेपिंग के लिए पिवट, राइट, इंडेक्स में आपने दे दिया आइटम्स, आइटम, ओके देन आपने कॉलम्स में दे दिया कलर, ओके नाउ अब इसको एग्जीक्यूट करो, देखो अब आपकी एरर आ गई है यहाँ पर, आप यहाँ पे देखो कौन सी एरर आई है, जो मैंने भी बताया था, यहाँ पे आ गई आपकी वैल्यू एरर आ गई है, फाइन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये मल्टीपल वैल्यूज के साथ, तो मल्टीपल वैल्यूज है पेन पेन पेंसिल इनके साथ वर्क नहीं करेगा, ओके तो उसको इस जो प्रॉब्लम जो ये प्रॉब्लम आई है, राइट, इसको आप कैसे रेक्टिफाई करोगे, मतलब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए हमारे पास होता है पिवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन, राइट, अब हम उसका यूज करेंगे, ओके तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पिवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन कैसे वर्क करता है, ओके इट वर्क्स लाइक अ पिवट फंक्शन, ये पिवट फंक्शन की तरह ही वर्क करेगा, बट एग्रीगेट्स द वैल्यू फ्रॉम रोज विद डुप्लीकेट एंट्रीज फॉर द स्पेसिफाइड कॉलम्स, लेकिन क्या करता है ये क्या करता है, उन रोज का एग्रीगेट निकाल देता है, एक एग्रीगेट मतलब उनके ऊपर फंक्शन अप्लाई करके, एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करके एक वन वैल्यू एज अ रिजल्ट वो क्या करता है, प्रोवाइड कर देता है, ओके okay? उनको क्या करोगे, वो उनके ऊपर एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई कर देता है, लाइक मीन मैक्स, ओके मिनिमम फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन, ओके जहां भी क्या होती है डुप्लीकेट एंट्रीज होती है, और बाय डिफॉल्ट कौन सा फंक्शन आता है, बाय डिफॉल्ट आपका मीन फंक्शन आता है, फाइन बाय डिफॉल्ट कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, मीन फंक्शन अप्लाई होगा, फाइन तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो जो वैल्यूज हैं, जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, उनकी मीन वैल्यू निकाल के आपको शो कर देगा, वैल्यू एरर नहीं आएगी, बल्कि क्या आ जाएगा, मीन वैल्यू आ जाएगी, फाइन, ओके सो हियर वी हैव द सिंटेक्स आपका क्या है, पांडास डॉट पीवेट अंडरस्कोर टेबल, ओके डेटा फ्रेम, आप डेटा फ्रेम इसके अंदर पास करोगे, वैल्यूज दोगे डेटा फ्रेम के लिए, सॉरी हाँ जो न्यू आपका डेटा फ्रेम है उसके लिए वैल्यूज दोगे, इंडेक्स दोगे, कॉलम दोगे, और एग्रीगेट फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट तो मीन होता है, अगर आप कोई भी एग्रीगेट फंक्शन नहीं दोगे तो मीन निकल के आ जाएगा, जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज है उनका, राइट, और अगर अदरवाइज आपको कोई दूसरा एग्रीगेट फंक्शन देना है वो भी आप डिफाइन कर सकते हो, ओके या फिर आप लिखोगे डेटा फ्रेम डॉट पीवेट अंडरस्कोर टेबल वैल्यूज, ओके न्यू डेटा फ्रेम की वैल्यूज, इंडेक्स,
कॉलम्स एंड एग्रीगेट, राइट? ओके, द इंडेक्स हमें पता है, इंडेक्स हम क्या, इंडेक्स आप कहाँ से लोगे? आप ओरिजिनल डेटा फ्रेम का कोई भी कॉलम एज इंडेक्स बनाओगे, और कॉलम्स में भी आप कौन सी वैल्यूज दोगे? आप ओरिजिनल डेटा फ्रेम की वैल्यूज दोगे, राइट? ऐसे ही आप वैल्यूज जो बनती हैं वो भी क्या बनती हैं? वो भी आपकी ओरिजिनल डेटा फ्रेम से बनती हैं, फाइन? ओके, द एड फंक्शन आर्ग्यूमेंट कंटेन्स द फंक्शन एज पर विच डेटा इज टू बी एग्रीगेटेड, राइट? इफ एस्केप बाय डिफॉल्ट इट विल कंप्यूट द मीन ऑफ द मल्टीपल एंट्रीज फॉर द सेम रो कॉलम कॉम्बिनेशन, जो मैंने आपको बताया सिंपल लैंग्वेज में फंक्शन क्या करेगा, जो भी आपकी डेटा फ्रेम की मल्टीपल वैल्यूज है उनका एग्रीगेट निकाल देगा, राइट? मीन वैल्यू उनकी आ जाएगी, वैल्यू एरर नहीं आएगी, मीन वैल्यू आ जाएगी. द पैरामीटर एग फंक्शन कैन हैव वैल्यूज अमंग सम मैक्स मिन लैन एनपी डॉट मीन एनपी डॉट मीडियम मीडियम, राइट? तो आप एग फंक्शन में इनको पास करते हो, एज अ वैल्यू दे सकते हो, आप सम निकाल सकते हो, मैक्स निकाल सकते हो, मिनिमम निकाल सकते हो, लेंथ, ओके, मीन वैल्यू निकाल सकते हो, मीडियम निकाल सकते हो, ओके? सो लेट अस डू इट प्रैक्टिकली नाउ, राइट? अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पिवट फंक्शन की जगह हम दे देते हैं यहाँ पे पिवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन, ठीक है? पिवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन को, फाइन? नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस. अब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, राइट? ओके, नाउ वी हैव गॉट द रिजल्ट. मैं क्या करती हूँ, पहले वन लाइन का गैप दे देती हूँ यहाँ पर, फाइन? मैं यहाँ पे वन लाइन का गैप दू, आपका df कोमा हम स्लैश एन देते हैं जिससे इजीली वो समझ में आ जाएगा. नाउ एग्जीक्यूट इट अगेन, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फाइन? यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं इसको, अपना जो हमने रीशेप किया है, प्रिंट पीवी, ओके? सिंपल, पहले हमने पिवट फंक्शन का यूज किया था, पिवट टेबल फंक्शन का यूज किया है. नाउ एग्जीक्यूट दिस. अब देखो आपका रिजल्ट आ गया है. पहले जब आप पिवट फंक्शन का यूज कर रहे थे तो वो डुप्लीकेट वैल्यूज को की वजह से वैल्यू एरर शो कर रहा था. अब आप क्या कर रहे हो, पिवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन का यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हुआ है आपका, देखो यहाँ पे आपका आइटम आ गया है, आइटम, राइट? एज अ इंडेक्स आइटम जो कॉलम आया है वो आपका एज अ इंडेक्स आया है, ओके? कलर आपका एज अ कॉलम आ गया है, फाइन? और यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द कॉलम्स है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द कॉलम्स आपका क्या बचा, प्राइस बचा और स्टॉक बचा, ओके? प्राइस एंड स्टॉक, प्राइस एंड स्टॉक क्या बन गया, एज अ वैल्यू आ गया है, प्राइस एंड स्टॉक आपका एज अ वैल्यू आ गया है, राइट? ओके, एंड यहाँ पे देखो प्राइस एंड स्टॉक का जो डेटा है वो क्या है, एज इट इज नहीं आया, उनका मीन आया है, मीन वैल्यू आई है, राइट? एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई होके मीन वैल्यू आई है, ओके? यहाँ पे देखो जो आपका आइटम्स है, जो फर्स्ट पेन है, पेन का देखो 35.0, राइट? ये क्या है, ब्लू जो पेन है 35.0, ये इसकी मीन वैल्यू है, फाइन? ऐसे ही स्टॉक की मीन वैल्यू आई है, ओके? प्राइस की मीन वैल्यू आ गई है, स्टॉक की मीन वैल्यू आ गई है. जो आपका प्राइस था और स्टॉक था उसको मीन वैल्यू, वो मीन वैल्यू में कन्वर्ट होके एज अ रिजल्ट आपके पास आ गई है, ओके? ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आप मल्टीपल कॉलम्स को एज अ इंडेक्स बना सकते हो, राइट? तो वो हम यहाँ पे करते हैं. मल्टीपल कॉलम्स को हम कैसे इंडेक्स बनाएंगे, हमने ले लिया पीवी, ओके? जब आप रीअरेंज कर रहे हो, रीशेप कर रहे हो, आप पिवट अंडरस्कोर टेबल, बिकॉज वी आर टेकिंग द अबव डेटा फ्रेम जिसके अंदर क्या है, हमने पिवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन ले लिया क्योंकि हम वो उस डेटा फ्रेम का यूज कर रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज है. और मैंने यहाँ पे इंडेक्स को दे दिया आइटम, आइटम कॉलम, ओके, एंड कलर कॉलम, राइट? आइटम कॉलम एंड कलर कॉलम, फाइन? और हमने प्रिंट करा दिया, और यहां पे हमने प्रिंट करा दिया पीवी को, ओके? तो यहाँ पे देखो मैंने इंडेक्स में क्या दिया, मल्टीपल कॉलम्स लिए हैं, आइटम लिया है, कलर लिया है, ओके? नाउ एग्जीक्यूट दिस. ये देखो आपका क्या आ गया, दो कॉलम्स आपके क्या बन के आ गए हैं यहाँ पे, आइटम और कलर, ये दोनों क्या बन के आ गए, आपके इंडेक्स बन के आ गए, आइटम और कलर, राइट? और जो रेस्ट ऑफ द कॉलम्स थे, ओके, प्राइस एंड स्टॉक, वो एज अ कॉलम आ गए, फाइन? तो यहाँ पे आपने क्या किया, मल्टीपल कॉलम्स को इंडेक्स क्रिएट किया, ओके? अब हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन से अप्लाई करके देखते हैं, राइट? अभी हमने देखो सिंपल मीन हमारा निकल के आ गया है, ओके? तो मेरे पास ये है ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा फ्रेम, राइट? जो हमने बनाया था, फाइन? जब हमने इसके अंदर कोई भी एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट वो मीन वैल्यूज को क्या
आपकी वैल्यूज का मीन निकाल के दे देता है, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज का. ओके, अब हम क्या करते हैं, खुद से इसको फंक्शन हम इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं, मल्टीपल फंक्शंस, राइट. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे हम दे देते हैं वैल्यूज कॉलम को बना देते हैं. वैल्यू कौन सा कॉलम बनेगा हमारा, वैल्यूज को हम दे देते हैं वैल्यूज में आपका स्टॉक कॉलम, राइट. स्टॉक कॉलम दे दिया हमने. ओके, अब इस स्टॉक का हम क्या करेंगे, इस पे हम निकालेंगे, इस एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है. और एग्रीगेट फंक्शन में हम क्या क्या अप्लाई करेंगे, हम इसमें अप्लाई करेंगे सम ऑफ स्टॉक, राइट. मैक्स स्टॉक मतलब मैक्सिमम स्टॉक किसका है, राइट. और हम ले लेंगे एनपी डॉट मीन, राइट. तो एनपी डॉट मीन लिया है, तो यहाँ पे आपको नंपाई लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कराना पड़ेगा, बिकॉज आप नंपाई लाइब्रेरी का मीन फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहे हो. तो आप यहाँ पे लिखोगे इम्पोर्ट नंपाई एस एनपी, राइट, क्योंकि नंपाई लाइब्रेरी का मीन फंक्शन आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, राइट. और उसके बाद आपने इसको प्रिंट करा दिया. ओके, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे. नाउ लुक एट द रिजल्ट, ये आपके पास रिजल्ट आ गया है. रिजल्ट में देखो आपका, आपने आइटम कॉलम दिया था वो आपका एज अ क्या गया है, इंडेक्स आ गया. आइटम कॉलम आपका एज अ इंडेक्स आ गया है. कलर्स कॉलम आपके आ गए हैं, कलर जो है वो आपका कॉलम बन गया है. ओके, और आपने दिया था सम, सम किसका, स्टॉक का सम आ गया आपका, ठीक है. मैक्स आ गया है, सम आ गया है, मैक्स आ गया और मीन आ गया है, जो आपने थ्री फंक्शंस अप्लाई करी थी, एग्रीगेट फंक्शन, राइट. सम आ गया स्टॉक वैल्यूज का, मैक्सिमम स्टॉक वैल्यू निकल के आ गया, मीन मीन आपका निकल के आ गया स्टॉक का, राइट. ओके, नाउ ओके, अब अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स पे डिफरेंट डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करने हैं तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं एग्जांपल देके आपको बताती हूँ. हमने यहाँ पे पीवी ले लिया वेरिएबल, df डॉट पीवट अंडरस्कोर टेबल, फाइन, टेबल ले लिया आपने. अब नाउ इंडेक्स हमने वैल्यू पास की, इंडेक्स में आप ले लो आइटम, फाइन. ओके, कॉलम्स, कॉलम्स में हमने ले लिया कलर, कलर ले लिया आपने, राइट. ओके, और वैल्यूज में, वैल्यूज में आप ले लो, आप दो कॉलम्स को हम एज अ वैल्यू ले लेते हैं, प्राइस, प्राइस, ओके, जो हमारा प्राइस है. ओके, एंड हम ले लेते हैं स्टॉक, ठीक है. तो ये दो जो कॉलम है वो हमारे क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे हमारी वैल्यूज, फाइन. हमने प्राइस ले लिया और यहाँ पे ले लिया हमने स्टॉक, ओके, राइट. अब हम क्या लेते हैं, फंक्शन से अप्लाई करते हैं यहाँ पे, एग्रीगेट फंक्शन, फंक्शन. अब देखो मैं अलग अलग कॉलम पे अलग अलग फंक्शन दूंगी, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन की वैल्यू एज अ डिक्शनरी पास की है. कैसे, आपने प्राइस, प्राइस जो हमारे पास है कॉलम, राइट, ओके, उसको हमने कौन सा, उस पे हम कौन सा फंक्शन यूज करें, उस पे हम लेंथ फंक्शन यूज करें, ओके. एंड स्टॉक पर हम कर रहे हैं, स्टॉक पर हम करते हैं स्टॉक पर हम करेंगे नंपाई का मीन फंक्शन, ठीक है. स्टॉक वैल्यूज का जो, स्टॉक की जो वैल्यूज है उस पे क्या जाएगी, उस पे अप्लाई हो जाएगा मीन फंक्शन, और प्राइस पे आपका आ जाएगा लेंथ फंक्शन, राइट, मतलब कितना प्राइस है, फाइन. और इसको हम अब कर देते हैं प्रिंट, प्रिंट पीवी, फाइन. नाउ लुक एट द रिजल्ट हियर, आपके पास रिजल्ट आ गया है. ओके, सी यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, प्राइस आ गया है, राइट, ओके, एंड आपके पास स्टॉक आ गया है, ओके, स्टॉक का आपका मीन वैल्यू निकल के आ गया है, ओके, एंड प्राइस आपकी यहाँ पे आ गया है कि उसका लेंथ निकल के आ गया, लेंथ निकल के आ गई है, ओके. नेक्स्ट हमें क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं,
वी विल फाइंड आउट द मैक्सिमम प्राइस ऑफ ईच पेन. ठीक है, हमें क्या करना है, हम मैक्सिमम प्राइस फाइंड करेंगे पेन का. फाइन, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक मैं हेडिंग दे देती हूँ यहाँ पर, हेडिंग दे देती हूँ यहाँ पे राइट, और यू कैन से प्रिंट ओनली, नो नीड टू प्रिंट, प्रिंट द मैक्सिमम प्राइस ऑफ पेन ऑफ ईच कलर. ओके, तो यहाँ पे हम दे देते हैं. अब हमको क्या करना है, डेटा फ्रेम में से सिर्फ पेन को फाइंड आउट करना है, पेन को निकालना है. तो उसके लिए मैं दे देती हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल df pen. ओके, df डेटा फ्रेम नेम. ओके, df डॉट आइटम, और आइटम कॉलम में आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पेन राइट, और आइटम कॉलम में आपको सिर्फ चाहिए पेन. फाइन, ओके. अब हम इस पे अप्लाई कर देते हैं अपना पिवट टेबल फंक्शन. ओके, तो हम यहाँ पे डेटा फ्रेम, ये कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे, df पेन वेरिएबल यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सिर्फ पेन कॉलम्स आपके आएंगे राइट. नाउ पिवट अंडरस्कोर टेबल, और टेबल में हम दे देते हैं इंडेक्स, इंडेक्स में आप दे दो आइटम, आइटम. ओके, देन कॉलम्स, कॉलम्स में आप दे दो कलर. फाइन, उसके बाद आप वैल्यूज, वैल्यूज में हम दे देते हैं अपना प्राइस. ओके, प्राइस जो आपने किस में दिया है, रुपीस में दिया है प्राइस. ओके, और यहाँ पे हम देंगे एग्रीगेट फंक्शन, क्या कौन सा देंगे, मैक्स. ओके, एग्रीगेट फंक्शन की हम वैल्यू दे देंगे मैक्स, एज अ लिस्ट देते हैं हम एग्रीगेट फंक्शन की वैल्यू. ओके, अब आपको क्या करना है, आपको प्रिंट कराना है टीवी को, टीवी को आपने प्रिंट करा दिया. आपकी अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यूज निकल के आ गई हैं. फाइन, प्राइस की मैक्सिमम वैल्यू जो आपके ब्लू पेन है उसका, उसकी मैक्सिमम प्राइस 50 है, और रेड पेन है उसका मैक्सिमम प्राइस क्या है, 25 है. वी कैन हैंडल मिसिंग वैल्यूज इन द डेटा फ्रेम और इन अ सीएसवी फाइल. एज वी नो दैट अ डेटा फ्रेम कैन कंसिस्ट ऑफ मेनी रोज, वेयर ईच रो कैन हैव वैल्यूज फॉर वेरियस कॉलम्स राइट. तो डेटा फ्रेम कैसे बनता है, डेटा फ्रेम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स राइट. ओके, इफ अ वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू अ कॉलम इज नॉट प्रेजेंट, अगर कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है किसी भी कॉलम में, ओके, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ मिसिंग वैल्यू. तो वो क्या कंसिडर्ड होती है, वो मिसिंग वैल्यू कंसिडर होती है राइट. अ मिसिंग वैल्यू इज डिनोटेड बाय NaN. तो मिसिंग वैल्यू को हम कैसे डिनोट करते हैं, बाय NaN राइट. मिसिंग वैल्यूज क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग डेटा एनालिसिस एंड हैव टू बी हैंडल्ड प्रॉपरली. अगर आप डेटा एनालिसिस करते हो और कुछ वैल्यूज मिसिंग है तो क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है. सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू हैंडल द मिसिंग वैल्यूज. ओके, द टू मोस्ट कॉमन स्ट्रेटेजीज फॉर हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज एक्सप्लेन इन दिस सेक्शन आर. तो हम दो तरीके से, दो स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए. ड्रॉप द ऑब्जेक्ट हैविंग मिसिंग वैल्यूज, जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट में मिसिंग वैल्यू है आप उसको ड्रॉप कर दो. ऑब्जेक्ट का मीनिंग यहां पर है जिस रो में है या जिस कॉलम में है डेटा फ्रेम के या सीएसवी फाइल के, आप उसको ड्रॉप कर दो, उसको डिलीट कर दो राइट. और यू कैन फिल और एस्टिमेट द मिसिंग वैल्यू, या फिर आप उसको फिल कर दो या किसी और वैल्यू से क्या कर दो, उस जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उससे आप उसको फिल कर दो. ओके, सो हेयर वी आर गोइंग टू हैंडल द मिसिंग वैल्यूज राइट. ओहो, फाइन, देन इम्पोर्ट numpy as np.
ओके, दो आपने लाइब्रेरीज को यहाँ पे इंपोर्ट किया है. नाउ आई वांट टू क्रिएट माय डेटा फ्रेम फ्रॉम अ डिक्शनरी. मैं एक डिक्शनरी से अपना डेटा फ्रेम क्रिएट करूंगी. तो यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, क्योंकि इसको लिखने में बड़ा टाइम जाता. फाइन, तो मैंने ऑलरेडी क्रिएटेड डिक्शनरी को यहाँ पे कॉपी कर दिया. ओके, अब मैं सिंपल क्या करूंगी, अपने डेटा फ्रेम को क्रिएट करूंगी. df वेरिएबल लिया है, pd डॉट. ओके, अब यहाँ पे हम डेटा फ्रेम फंक्शन का यूज करेंगे टू क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी, राइट. और मेरे डिक्शनरी का नाम है मार्क्स यूटी, यूटी के मार्क्स, राइट. ओके, एंड देन वी विल प्रिंट आर डेटा फ्रेम. ठीक है, तो ये डिक्शनरी जो है वो क्या बन जाएगी, हमारा डेटा फ्रेम बन जाएगा, राइट. हमने डेटा फ्रेम ले लिया यहाँ पे. अब मैं सिंपल इसको पहले एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ. ओके, नाउ सी हियर वी हैव आवर डेटा फ्रेम. मैं इसको यहां से आपको शो करके दिखाती हूँ, राइट. ये हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है. और डेटा फ्रेम में देखो आपके जो आपका फोर्थ रिकॉर्ड है, राइट, उसमें देखो इसके मार्क्स हमने क्या दे दिए, NaN दे दिए. ठीक है, मैथ्स के जो मार्क्स हैं वो NaN, देन साइंस NaN, ओके, आपका हिंदी SST 19, हिंदी 18 एंड इंग्लिश NaN, राइट. सो हियर वी हैव गिवन सम नल वैल्यूज, राइट, हमने कुछ नल वैल्यूज यहाँ पर दे दिए. ओके, अब नाउ नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपको करना है इज नल फंक्शन का यूज, राइट. तो इज नल फंक्शन का हम यूज किस लिए कर रहे हैं, हम ये दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं कि डेटा फ्रेम के अंदर नल वैल्यूज है कि नहीं है. ठीक है, इज नल फंक्शन इज यूज टू चेक मिसिंग वैल्यूज इन द डेटा फ्रेम. ठीक है, और जहां पे इसको मिसिंग वैल्यूज मिलती है वहां पे क्या आता है, ट्रू आता है. ओके, तो इज नल फंक्शन का जो रिजल्ट होता है वो बूलियन होता है. ओके, इट विल शो यू ट्रू, ये आपको ट्रू शो करेगा जहां पे क्या होगी, मिसिंग वैल्यूज होगी. और जहां पे मिसिंग वैल्यूज नहीं होंगी वहां पे ये करता है क्या, शो करता है फॉल्स. ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम डेटा फ्रेम को मैंने स्लैश एन दे दिया जिससे हमारा जो नेक्स्ट डेटा फ्रेम है वो नेक्स्ट लाइन में आए. ओके, तो अब यहाँ पे हम करेंगे फंक्शन का यूज. ठीक है, df डॉट इज नल इज नल. ओके, नाउ वी विल प्रिंट इट अगेन. इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं. नाउ सी अब यहाँ पे देखो आपका रिजल्ट किस में आया, फॉल्स फॉल्स. जहां पे वैल्यू है वहां वहां फॉल्स आ गया है. ओके, और जहां पे वैल्यू नहीं है वहां पे देखो ट्रू आया, अदरवाइज फॉल्स आया. ओके, आप इस नल फंक्शन को एक पर्टिकुलर कॉलम के साथ भी यूज कर सकते हैं, राइट. यहाँ पे तो क्या हुआ, कंप्लीट डेटा फ्रेम को उसने शो कर दिया है, जहां जहां वैल्यू है वहां वहां फॉल्स आया, राइट, और जहां जहां वैल्यू नहीं है वहां पे क्या आ गया, ट्रू. ओके, तो हमने इस डेटा फ्रेम के अंदर ओनली 3 वैल्यूज ही मिसिंग की थी. ओके, नाउ अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉलम का देखना है कि उसमें कितनी वैल्यूज मिसिंग है, कितनी वैल्यूज फिल है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर कॉलम का भी आप चेक कर सकते हो यूजिंग इज नल फंक्शन. तो प्रिंट df में आप दे दो जो भी कॉलम आप चेक करना चाहते हो. मान लो मैं यहाँ पे साइंस कॉलम को चेक करना चाहती हूँ. ओके, एंड साइंस कॉलम डॉट इज नल. फाइन, नाउ एग्जीक्यूट दिस. नाउ दिस इज आवर रिजल्ट. यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे रिजल्ट शो कर दिया आपका. नाउ सी ओनली जो आपका इंडेक्स 3 है वहां पे ट्रू है, अदरवाइज आपका रिजल्ट क्या आया है, फॉल्स आया है. फाइन, तो यहाँ पे इस नल की हेल्प से क्या आ गया, शो हो गया कि कॉलम में कौन सी वैल्यू मतलब कौन कहाँ पे वैल्यू है और कहाँ पर वैल्यू नहीं है. जहां पर वैल्यू है वहां पे रिजल्ट आपका फॉल्स है, और जहां पे वैल्यू नहीं है वहां पे ट्रू है. ओके, तो आप एक पर्टिकुलर कॉलम में भी चेक कर सकते हो कि उसमें कितनी वैल्यूज नल है. ओके, ओके, नाउ इफ अगर आपको चेक करना है कि आपके जो कॉलम्स हैं, ओके, वो सारे के जितने भी कॉलम्स हैं उनके अंदर कोई भी वैल्यू मिसिंग है या नहीं है, राइट. ओके, तो यहाँ पे कॉलम वाइज ये शो करे कि इस कॉलम में कोई भी एक भी वैल्यू मिसिंग है या नहीं है. तो उसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, उसके लिए आप यूज करोगे एनी फंक्शन. ओके, और ये किसके साथ यूज करोगे, आप इज नल के साथ यूज करोगे. ओके, तो क्या होगा, इट रिटर्न्स ट्रू इन केस ऑफ मिसिंग वैल्यू, एल्स रिटर्न्स फॉल्स, राइट. तो यहाँ पे अगर मिसिंग वैल्यू होगी इस कॉलम के अंदर कहीं भी, तो वो क्या कर देगा, आपको
रिटर्न करेगा ट्रू, और कहीं पर भी मिसिंग वैल्यू नहीं होगी तो रिटर्न करेगा फॉल्स, राइट। तो हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, प्रिंट राइट df डॉट इज नल डॉट एनी फंक्शन, राइट। एनी फंक्शन क्या है, पूरा डेटा सेट को, पूरे डेटा फ्रेम को चेक करेगा, और जिस भी कॉलम में मिसिंग होगी वैल्यू, कोई भी एक भी या उससे ज्यादा वैल्यू मिसिंग होगी, तो उस कॉलम को ये क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ये देगा ट्रू, ओके। और जिस कॉलम में एक भी मिसिंग वैल्यू नहीं होगी उसके उसको कौन सी वैल्यू मिलेगी, फॉल्स, राइट। तो अगर आपको एक बिग उसमें देखना है, डेटा सेट में देखना है कि कोई भी पर्टिकुलर कॉलम अगर मिसिंग वैल्यू कंटेन करता है तो ये क्या होता है, इट विल बिकम इजी, क्योंकि ये कॉलम के नेम के आगे क्या शो कर देगा, ट्रू, राइट। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, लुक एट दिस नाउ, सी ये आपका फॉल्स आया है, मैथ्स में ट्रू है, साइंस में ट्रू है, एसएसटी फॉल्स, हिंदी फॉल्स, राइट। तो ये क्या शो कर रहा है कि मैथ्स कॉलम में मिसिंग वैल्यू है, नल वैल्यू है, साइंस में नल वैल्यू है, एंड इंग्लिश में भी नल वैल्यू है, राइट। तो ये शो कर रहा है, ओके। और अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉलम का चेक करना है तो भी आप चेक कर सकते हो, सिंपल आपको क्या करना है, कॉलम का नेम दे देना है, ओके, डीएफ, राइट। मैंने यहाँ पे ले लिया साइंस, क्योंकि उसमें हमारी नल वैल्यू है, इंग्लिश भी ले सकते हैं आप, साइंस, ओके, डॉट इज नल। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम नल वैल्यू को चेक कर रहे हैं, राइट। फिर लेटर ऑन आप सीखोगे कि कैसे आपको उसको ड्रॉप करना है, ओके, और कैसे फिल करनी है नल वैल्यू को, राइट। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम का चेक करना है तो आप क्या करोगे, डीएफ डेटा फ्रेम का नेम है, कॉलम नेम डॉट इज नल डॉट एनी, राइट। एग्जीक्यूट दिस, देखो अब हमारा रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रू, तो क्योंकि साइंस कॉलम में क्या है, नल वैल्यू है, साइंस कॉलम में क्या है, नल वैल्यू है, तो देखो यहाँ पे रिजल्ट आपका आ गया है ट्रू, ओके। अगर मान लो मैं कोई और कॉलम लेती हूँ जिसमें नल वैल्यू नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया हिंदी, हिंदी, ओके, अब मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो रिजल्ट क्या आ गया है मेरे पास, रिजल्ट आ गया है फॉल्स, ओके, फॉल्स रिजल्ट आ गया है। ये क्या शो कर रहा है कि जो हिंदी कॉलम है उसमें कोई भी वैल्यू नल नहीं है, ओके। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि एक पर्टिकुलर कॉलम में कितनी नल वैल्यूज हैं, राइट, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इस नल फंक्शन के साथ सम फंक्शन का यूज करोगे, ओके। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, कमांड प्रिंट df डॉट इज नल फंक्शन, राइट, डॉट सम फंक्शन, ओके। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि एक कॉलम के अंदर कितनी नल वैल्यूज है डेटा फ्रेम के अंदर, राइट। एग्जीक्यूट दिस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया है, सी आपका यूटी कॉलम है, ओके, उसकी नल वैल्यूज उसमें जीरो है, मतलब एक भी नल वैल्यू नहीं है, नेम में एक भी नल वैल्यू नहीं है, मैथ्स में वन है, साइंस में वन है, एसएसटी में जीरो है, हिंदी में जीरो है, इंग्लिश में वन है। तो इसने यहाँ पे शो कर दिया कि कितनी नल वैल्यू है एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, फाइन, ओके। और अगर आप ये फाइंड आउट करने चाहते हो कि पूरे डेटा फ्रेम में कितनी नल वैल्यूज है, राइट, या पूरी जो भी आपने सीएसवी फाइल ली है या जो भी लिया है उसमें टोटल कितनी नल वैल्यूज है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, df डॉट इज नल, ओके, फंक्शन के साथ आपने पहले क्या लगाया था, सम फंक्शन, तो क्या हुआ, कॉलम वाइज नल वैल्यूज आ गई। अगर आप पूरे डेटा सेट में करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, डॉट सम, फिर से डॉट सम फंक्शन का यूज करोगे, यहाँ पे टू डॉट सम फंक्शन का यूज किया गया है, ओके, देन एग्जीक्यूट दिस, देखो यहाँ पे आपका रिजल्ट निकल के आ गया है थ्री, आपका रिजल्ट निकल के आ गया है थ्री, मतलब जो पूरा डेटा सेट है, पूरा डेटा फ्रेम है, उसमें कितनी नल वैल्यूज हैं टोटल, उसमें टोटल नल वैल्यूज हैं थ्री, ओके, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, हम लोग यूज करेंगे ड्रॉप एन ए फंक्शन, राइट। ड्रॉप एन ए फंक्शन का क्या यूज है, इसकी हेल्प से आप उस कंप्लीट रो को ड्रॉप कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जिसके अंदर क्या है, नल वैल्यूज है, राइट, ओके। तो अब यहाँ पे हम ड्रॉप एन ए फंक्शन का यूज करेंगे, तो हम ले लेते हैं df1, ओके, df1 वेरिएबल इसलिए लिया है जिससे कि जो रिजल्ट आए, ओके, ड्रॉप होके रिजल्ट आए वो न्यू डेटा फ्रेम हो, हम ओरिजिनल डेटा फ्रेम में यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे, बिकॉज वी रिक्वायर दैट डेटा फ्रेम, ओके। तो हमने यहाँ पे किया ड्रॉप na फंक्शन का यूज, ओके,
राइट एंड प्रिंट। अब यहाँ पे ड्रॉप एन ए फंक्शन क्या करेगा, जो डेटा फ्रेम के अंदर जितनी भी नल वैल्यूज होंगी, जितनी भी रोज होंगी जिनके अंदर नल वैल्यूज होंगी, वो सारी रोज क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। राइट df1, तो हमने यहाँ पे एक ही रो में नल वैल्यू ली है तो वो कंप्लीट रो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अदरवाइज डेटा फ्रेम के अंदर जितनी भी रोज होती ओके, जिनके अंदर नल वैल्यू होती तो वो सारी की सारी रोज क्या हो जाती है, डिलीट। फाइन, इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग। ओके, नाउ यू लुक एट द रिजल्ट हियर। यहाँ पे देखो जो हमारा 3 था, आपका इंडेक्स वैल्यू 3 थी, वो वाली रो क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। फाइन, किसकी हेल्प से, ड्रॉप एन ए फंक्शन की हेल्प से। ओके, यहाँ पे हमने एक ही जो रो थी उसके अंदर नल वैल्यू इंसर्ट की थी, तो इस वजह से एक ही हुई है। अदरवाइज डेटा फ्रेम में जहां जहां आपके क्या पास होती नल वैल्यूज, ओके, वो रोज क्या हो जाती, ड्रॉप एन ए फंक्शन की हेल्प से डिलीट हो जाती। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को फिल कर सकते हो। राइट, तो मैं यहाँ पे क्या करी हूँ, फिल एन ए फंक्शन का यूज करूंगी। ओके, तो यहाँ पे डी एफ वन हमने वेरिएबल लिया, डी एफ डॉट फिल एन ए, और मैं चाहती हूँ जो मेरी नल वैल्यूज है उनके प्लेस पे जीरो आ जाए। ओके, एन ए एन की बजाय वहां लिखा क्या आ जाए, जीरो आ जाए, और इसको मैंने प्रिंट करा दिया, प्रिंट डी एफ वन। राइट, एग्जीक्यूट दिस, सी नाउ वी, यहाँ पे देखो आप, रिजल्ट देखो आपका, जहां पे आपकी नल वैल्यूज यहाँ पे, वहां पे क्या आ गया है, जीरो आ गया है। फाइन, यहाँ पे हमारे पास यहाँ जो आपका इंडेक्स 3 है उसके अंदर मैथ्स कॉलम में, साइंस कॉलम में एंड इंग्लिश कॉलम में आपके पास क्या आ गया है, जीरो आ गया है। फाइन, आप कुछ और भी वैल्यू दे सकते हो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे दे दूं 1, ओके, यहाँ पे मैं इसको करना चाहती हूँ फिल 1 से, इसको आप एग्जीक्यूट करो। राइट, अब आप इसको देखो, तो आपने यहाँ पे क्या दे दिया है, 1 दे दिया है, तो यहाँ पे देखो 1 आ गया, यहाँ पे 1 है। ओके, मैथ्स में 1, देन साइंस 1 एंड देन इंग्लिश 1। ओके, आपने यहाँ पे फिल एन ए की हेल्प से यहाँ पे वैल्यूज दे दिए। ओके ओके, अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कॉलम में अलग अलग वैल्यू है, राइट, तो आप वो भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दिया डी एफ वन, डी एफ डॉट फिल एन ए, फिल एन ए के अंदर मैंने, आप क्या करोगे, एज अ डिक्शनरी पास करोगे कॉलम नेम, तो मुझे मैथ्स में चाहिए, मैथ्स कॉलम में मुझे चाहिए 30, फाइन, और साइंस में मुझे चाहिए, साइंस में आपको चाहिए 40, ओके, एंड इंग्लिश में आपको चाहिए 50। राइट, आपने एज अ डिक्शनरी दे दिया डेटा, आपने अलग अलग कॉलम के लिए, अलग अलग सेल के लिए अलग अलग डेटा दिया है, प्रिंट डी एफ वन। ओके, आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस। नाउ सी, यहाँ पे नाउ सी, यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे मैथ्स में 30 दिया था, 30 है, साइंस में आपने यहाँ पे 40 दिया है, ओके, आपका 50 आया है। ठीक है, साइंस, लुक एट दिस, दिस इज योर 30, ओके, 40 एंड 50, फाइन, ओके। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि जो आपकी मिसिंग वैल्यूज है वो कहीं से कॉपी हो जाए, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, उन मिसिंग वैल्यूज को कॉपी भी कर सकते हो, तो यहां पे हम यूज करेंगे, यहां पे देखो, डी एफ वन इक्वल्स टू डी एफ डॉट फिल एन ए। ओके, फिल एन ए के अंदर आप कौन सा पैरामीटर पास करोगे, आप पास करोगे मेथड पैरामीटर को, ओके, एंड आप इसकी वैल्यू दोगे एफ फिल मींस फॉरवर्ड फिल। फॉरवर्ड फिल से क्या होगा, जो इसकी अबव एडजेसेंट सेल्स हैं, अबव मतलब जो इसके ऊपर वाली सेल्स हैं, ओके, उनका डेटा क्या होगा, इसके कॉपी, जो आपकी नल वैल्यूज है उसमें कॉपी हो जाएगा। ओके, समझ आ रहा है, फॉरवर्ड फिल मेथड से क्या होगा, जो अबव सेल्स हैं, अबव ऊपर वाली सेल्स हैं, उनका डेटा जो नल वैल्यूज है उसमें कॉपी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास, मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ, प्रिंट डी एफ वन, सी नो,
अब यहाँ पे देखो, हमारे पास यहाँ पे क्या थी, नल वैल्यूज थी, ठीक है। आपका जो फोर्थ यूटी था, रमन का जो फोर्थ यूटी था, उसमें नल वैल्यू थी, मैथ्स की वैल्यू नल थी और साइंस की वैल्यू नल थी। तो इसने इसका डेटा कहाँ से कॉपी हो गया, यहाँ इसका थर्ड यूटी से कॉपी हो गया, 1414 आ गया, 1919 आ गया है। सेम भी यहाँ पे इंग्लिश में भी नल वैल्यू थी, तो इसका भी डेटा कहाँ से कॉपी हो गया, अबव वाली सेल से कॉपी हो गया, 23 आ गया है। ओके, तो ये क्या है, एफ फिल मेथड का हमने यूज किया, फॉरवर्ड फिल मेथड का आपने यूज किया यहाँ पे, राइट। तो इससे क्या है, आपने अबव वैल्यूज को क्या किया है, कॉपी किया है, फाइन। अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे बैकवर्ड फिल करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे बी लगा दो, फाइन, एंड एग्जीक्यूट दिस। ओके, नाउ लुक एट द रिजल्ट। नाउ अब आप देखो, यहाँ पे जो फोर्थ यूटी थी, बी स्टैंड फॉर द बैकवर्ड फिल, तो मतलब नीचे वाली सेल का डेटा यहाँ पे कॉपी होगा। तो यहाँ पे देखो, अर्जुन का जो है फर्स्ट यूटी के मार्क्स 20, वो कहाँ चले गए, रमन के फोर्थ यूटी में चले गए 20 20। ऐसे ही अर्जुन के जो 17 थे वो चले गए रमन के साइंस में 17। ओके, ऐसे ही यहाँ पे जो अर्जुन था उसके जो 19 थे वो रमन के कॉपी हो गए 19, राइट। तो आपका क्या है, एफ फिल में आप क्या करते हो, अबव सेल का डेटा कॉपी होता है, एंड बैक फिल और यू कैन में क्या होता है आपका, बिलो वाली, ओके, बिलो वाली सेल का डेटा कॉपी होता है, फाइन। ओके, अगर आप डेटा आप कॉपी करना चाहते हो अलोंग द एक्सिस, मींस फ्रॉम द कॉलम, तो आप क्या कर सकते हो, पैरामीटर पास कर सकते हो एक्सिस और उसकी वैल्यू आप दोगे 1 फॉर द कॉलम, राइट। ओके, अब देखो मेथड में क्या है, एफ फिल, एफ फिल मीन्स फॉरवर्ड फिल, राइट। तो ये क्या होगा, ये पहले वाले कॉलम से, ओके, जो उससे जो नल वैल्यू है उससे जो पहले वाले कॉलम होगा उसकी वैल्यू की कॉपी कर लेगा, फाइन। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको जो डेटा फ्रेम है उसको दिखाती हूँ, दिस इज योर डेटा फ्रेम। तो देखो रमन है, ठीक है, इंडेक्स 3 पर, उसकी जो वैल्यू है यहाँ पर देखो, फोर्थ यूटी में आपकी साइंस एंड हिंदी में क्या है, नल है, फाइन। ओके, एंड इंग्लिश में भी नल है, ओके। तो यहाँ पे ये किसको कॉपी करेगा, ये 4 को कॉपी करेगा, आई शो यू, राइट। नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस, नाउ दिस इज आवर डेटा फ्रेम। सी, अब इसने क्या किया है, मैथ्स एंड साइंस में 4 UT4, दिस इज UT4, ठीक है, तो 4 को कॉपी कर लिया है, राइट। और ऐसे ही इंग्लिश में 18 को कॉपी कर लिया है, ओके। तो इसने क्या किया है, अपने जो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉलम था उसकी वैल्यू को कॉपी कर लिया है फॉरवर्ड फिलिंग में, राइट। ऐसे ही अगर आप क्या करते हो, बैकवर्ड फिलिंग कर लेते हो, तो क्या होगा, वो राइट साइड वाले कॉलम से कॉपी कर लेगा वैल्यू को, ओके, मींस पीछे वाले कॉलम से क्या करेगा, कॉपी करेगा। आई शो यू दिस, अब यहाँ पे देखो, SST में 19 थे तो साइंस में भी 19 कॉपी हो गया, मैथ्स में भी 19 कॉपी हो गया, राइट। इंग्लिश में कुछ भी कॉपी नहीं हुआ है क्योंकि इंग्लिश कॉलम के राइट में कोई भी कॉलम नहीं है, ओके, राइट। सो इन दिस वे यू कैन कॉपी वैल्यूज फ्रॉम कॉलम ऑल्सो, राइट। यू कैन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा बिटवीन द पांडास डेटा फ्रेम एंड MySQL। आप पांडास डेटा फ्रेम एंड MySQL के बीच डेटा को कैसे इंपोर्ट कर सकते हो और एक्सपोर्ट कर सकते हो, ओके। डेटा फ्रॉम डेटा फ्रेम कैन बी रीड फ्रॉम एंड रिटर्न टू MySQL डेटाबेस। तो ये क्या कह रहा है कि आप डेटा फ्रेम के डेटा को MySQL की टेबल से रीड भी कर सकते हो, मतलब MySQL की टेबल से उसको ले भी सकते हो, और डेटा फ्रेम का डेटा आप MySQL की टेबल में राइट करवा सकते हो, वहां पर स्टोर करवा सकते हो, ओके। टू डू A connection is required with the MySQL database using the PyMySQL database driver. और ये करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ओके, और कनेक्शन बनाने के लिए आपको अपने पाइथन की सॉफ्टवेयर में क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, PyMySQL database driver, राइट। आपको MySQL डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए अपने पाइथन के सॉफ्टवेयर में क्या इंस्टॉल करना है, एक ड्राइवर इंस्टॉल करना है जिसका नाम क्या है, पाई MySQL डेटाबेस ड्राइवर। एंड फॉर दिस द ड्राइवर शुड बी इंस्टॉल्ड इन द पाइथन एनवायरनमेंट यूजिंग द फॉलोइंग कमांड। और ये आप कैसे, कौन सी कमांड से इंस्टॉल करोगे, पिप इंस्टॉल पाई MySQL, ओके। नाउ वी हैव SQL Alchemy।
SQL Alchemy is a library used to interact with the MySQL database by providing the required credentials, right? तो आपके आपको import and export, data को import and export करने के लिए pandas और MySQL के in between क्या चाहिए, आपकी क्या requirement है? एक तो आपको PyMySQL को क्या करना है, install करना है driver को, राइट, पाइथन एनवायरनमेंट में. दूसरा, आपको एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है. लाइब्रेरी का नाम क्या है? SQL Alchemy, राइट. SQL Alchemy इज अ लाइब्रेरी यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द MySQL डेटाबेस. इस लाइब्रेरी का यूज किया जाता है MySQL डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए बाय प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल्स. मतलब ये लाइब्रेरी आपको कुछ रिक्वायर्ड फंक्शंस प्रोवाइड करेगी जिसकी हेल्प से आप MySQL डेटाबेस से इंटरेक्ट करोगे, राइट. दिस लाइब्रेरी कैन बी इंस्टॉल्ड यूजिंग द फॉलोइंग कमांड. और ये लाइब्रेरी आप कौन सी कमांड की हेल्प से करोगे? आप करोगे pip install SQL Alchemy कमांड्स की हेल्प से, राइट. नाउ वी विल डू इट प्रैक्टिकली. ओके, सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें इंस्टॉल करना है पाई MySQL डेटाबेस ड्राइवर को. तो इसकी कमांड है pip install पाई MySQL, राइट. ऑल्दो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुकी हूँ, पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो. ये जुपिटर नोटबुक है जिसके अंदर मैं इसको इंस्टॉल करके आपको दिखा रही हूँ. सी, ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया है? रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने क्या किया है, इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है. फाइन, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी क्या है? आपको क्या इंस्टॉल करना है? आपको SQL Alchemy को इंस्टॉल करना है. तो आप यहाँ पे कमांड दोगे pip install SQL Alchemy, pip install SQL Alchemy, right? Okay, and then run it. ओके, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. फाइन, तो अब हमने क्या किया है? जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट थी हमारी पाई MySQL को इंस्टॉल करने की और SQL Alchemy को इंस्टॉल करने की, वो हमने कर लिया है. नाउ वी विल स्टार्ट विद आर प्रोग्राम, राइट. तो अब हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर इम्पोर्ट पांडास एस PD, राइट, इम्पोर्ट पांडास एस PD, ओके, एंड इम्पोर्ट SQL Alchemy as SQL, राइट. अब देखो मैं क्या चाहती हूँ, पहले जो मैं अपना प्रोग्राम बनाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा डेटा कॉपी हो जाए SQL की टेबल से डेटा फ्रेम के अंदर. फाइन, तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें SQL की टेबल बनानी है. तो हम क्या करते हैं, पहले SQL की टेबल क्रिएट करते हैं. ओके, ओके, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं. मैंने यहाँ पे डेटाबेस बना लिया, क्रिएट डेटाबेस स्कूल. लेट अस सपोज मेरे डेटाबेस का नेम है स्कूल. क्रिएट डेटाबेस स्कूल, ये मेरा बन गया है, राइट. अब मैं क्या करूंगी, इस डेटाबेस को ओपन करूंगी. तो मैंने कमांड दिया यूज स्कूल. ओके, नाउ अब हमारा डेटाबेस नेम क्या है? स्कूल. अब इस डेटाबेस के अंदर हम एक टेबल बनाते हैं स्टूडेंट नेम से. क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ओके, और इसमें हम फील्ड्स ले लेते हैं, रोल नंबर, रोल नंबर आप इंटीजर ले लो. प्राइमरी की बनाना चाहते हो तो इसको प्राइमरी की बना दो, राइट. नेक्स्ट हम ले लेते हैं नेम. नेम हम ले लेंगे वेरकर, वेरकर ले लो 40, राइट. नेक्स्ट आप ले लो, यहाँ पे आप ले लो एड्रेस, एड्रेस भी आप ले लोगे वेरकर 40, ओके. देन हम ले लेते हैं मार्क्स, मार्क्स आप इंट में ले लो या फ्लोट में, जिसमें भी लेना चाहते हो इंट ले लो, चलो, राइट. ये आपकी टेबल बन गई. अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ डेटा इंसर्ट कर देते हैं. इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, वैल्यूज जैसे मैंने ले लिया 1 रोल नंबर, देन नेम रोहन, ओके. एड्रेस आप ले लो, ये आपने ले लिया रोहिणी. देन आपने यहाँ पे ले लिया मार्क्स
70. ओके वन मोर, यहाँ पे आप वन मोर डेटा फ्रेम हम इंसर्ट कर, सॉरी वन मोर रो इसको इंसर्ट करते हैं, टू राइट, नेम आप ले लो, ओके मार्क्स ले लो आप 80 राइट. नेक्स्ट हम ले लेते हैं इंसर्ट इनटू, एक और आप यहाँ पे रो इंसर्ट कर लो, और आप ले लो प्लेस, राइट वन मोर, फोर राइट वन मोर, ओके. सो हेयर वी हैव इंसर्टेड फाइव रिकॉर्ड्स, हमने फाइव रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लिए. अब अपनी टेबल देख लेते हैं, हमारी टेबल कैसी बनी है. सिलेक्ट स्टार from student, okay, this is your table, fine. अब आपने टेबल क्रिएट कर लिए, अब क्या करना है, इस टेबल का डेटा हम अपने डेटा फ्रेम के अंदर क्या करेंगे, रीड करवाएंगे. ओके SQL Alchemy लाइब्रेरी है वो आपको क्या प्रोवाइड करती है, वो आपको क्रिएट अंडरस्कोर एंजिन फंक्शन प्रोवाइड करती है, राइट ओके. और जो क्रिएट अंडरस्कोर एंजिन फंक्शन है उसका क्या यूज है, वो कनेक्शन स्टेब्लिश करती है MySQL एंड पांडास के बीच में, राइट. तो अब इसको हम यूज करते हैं, हमने एक वेरिएबल लिया कौन, ओके और यहाँ पे SQL हमने ले लिया, SQL स्टैंड फॉर द SQL Alchemy लाइब्रेरी, उसका शॉर्ट फॉर्म है, उसका एलियास नेम है, ओके और आप लोगे CREATE क्रिएट अंडरस्कोर एंजिन फंक्शन, राइट क्रिएट अंडरस्कोर एंजिन फंक्शन, राइट. अब यहाँ पे क्या है, इस फंक्शन के अंदर आप स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग को प्रोवाइड करोगे, मतलब एक स्ट्रिंग को पास करोगे, नॉट प्रोवाइड, एक स्ट्रिंग को पास करोगे, ओके और वो स्ट्रिंग जो आप पास करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग बोलते हैं, राइट. द कनेक्शन स्ट्रिंग इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल पैरामीटर, इस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लाइक नेम ऑफ द डेटाबेस विद विच वी वांट टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन, उस डेटाबेस का नाम जिसके साथ हम कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम, पोर्ट नंबर एक्सेट्रा, राइट. तो यहाँ पे क्रिएट अंडरस्कोर जो एंजिन फंक्शन है वो क्या क्रिएट कर रहा है, वो कनेक्शन क्रिएट कर रहा है बिटवीन द MySQL एंड पांडास, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या पास करते हैं, इस फंक्शन के अंदर हम कनेक्शन स्ट्रिंग पास करते हैं जिसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, राइट. तो आप इसको कैसे, जो स्ट्रिंग है वो कैसे आप लिखोगे, MySQL ओके प्लस MySQL प्लस पाई MySQL. पाई MySQL क्या है, आपका ड्राइवर है जो आप कहां, जो आपने कहां इंस्टॉल किया है, आपने पाइथन में इंस्टॉल किया है, ओके. डेटाबेस कनेक्शन के लिए ड्राइवर है जो आपने अपने पाइथन एनवायरमेंट में इंस्टॉल किया है. तो ये आपको एज इट इज लिखना है, MySQL प्लस पाई MySQL, ओके. उसके बाद कॉलन, देन आपको डबल स्लैश देना है, ओके रूट, फाइन. और रूट जो आपका क्या है,
यूजर नेम है. नाउ यू विल गिव द पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड है किसका, एसक्यूएल डेटाबेस का, माय एसक्यूएल सॉफ्टवेयर का, जो भी आपको पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड है वो आप दोगे. 1 2 3 4 5 ये मेरा पासवर्ड है. ओके, उसके बाद आप दोगे @ ओके एंड लोकल होस्ट. लोकल होस्ट इसलिए क्योंकि आपका पाइथन एंड MySQL दोनों क्या है, एक ही सिस्टम पे आप उस पर वर्क कर रहे हो. ठीक है, राइट, लोकल होस्ट, राइट. और किस डेटाबेस से मेरे को कनेक्शन क्रिएट करना है, मुझे स्कूल डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करना है. मैंने उस डेटाबेस का नेम दे दिया है यहाँ पर. फाइन, ये मैंने क्या दे दिया, यहाँ पे मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग दे दी है create_engine फंक्शन के अंदर. फाइन, अब हम क्या करेंगे, अब देखो जो यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा engine ऑब्जेक्ट, राइट. जो आपका create_engine फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, वो करेगा engine ऑब्जेक्ट. ओके, और एंजिन ऑब्जेक्ट कहाँ जाके स्टोर होगा, कौन वेरिएबल के अंदर. तो यहाँ पे आपका कौन क्या बन चुका है, एंजिन ऑब्जेक्ट बन चुका है. फाइन, ओके, अब हमने क्या किया, df, ओके, df हमने एक वेरिएबल लिया, pd.read_sql. आपने कौन से फंक्शन का यूज किया है, read_sql फंक्शन का यूज किया है. और इसके अंदर आप क्या दोगे, आप दोगे टेबल का नेम, ओके, जिससे आपको डेटा रीड करना है. तो मुझे स्टूडेंट टेबल से डेटा रीड करना है. फाइन, ओके, एंड कॉमा के बाद आप क्या दोगे, आप दोगे अपना कौन सा ऑब्जेक्ट, एंजिन ऑब्जेक्ट. ठीक है, कौन हमारा क्या है, एंजिन ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ प्रिंट df, अब आप इसको प्रिंट करा दो. ओके, नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस, रन करेंगे इसको. नाउ लुक एट द रिजल्ट, आपका रिजल्ट आपके पास आ चुका है. डेटा फ्रेम में जो आपने टेबल बनाई थी वो आपका टेबल यहाँ पे एज अ, जो आपने एसक्यूएल में टेबल बनाई थी वो एज अ डेटा फ्रेम आपके पास आ चुका है, राइट. उसमें एक क्या हुआ, इंडेक्स कॉलम और क्या हो गया, ज्वाइन हो गया. ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स कॉलम आ गया हमारा. ठीक है, मैं आपको टेबल भी दिखा देती हूँ. आपकी ये वाली टेबल थी, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, मार्क्स, सेम टेबल हमारी कहाँ आ गई है, यहाँ पे आ गई है एज अ डेटा फ्रेम. ओके, नाउ लेट अस सपोज आपको कंप्लीट टेबल नहीं चाहिए, कंप्लीट टेबल आपको रीड नहीं करानी है डेटा फ्रेम में, राइट. तो आप क्या, आपको कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स को ही रीड कराना है, तो आप कौन सा पैरामीटर पास करोगे, पास करोगे कॉलम columns कॉलम्स पैरामीटर को. ओके, एंड एज अ लिस्ट आप नेम दे दोगे कॉलम्स का, राइट, जो जो आप चाहते हो रीड कराना एसक्यूएल टेबल से. तो मुझे चाहिए रोल नंबर, रोल नंबर, ओके, एंड सेकंड मुझे चाहिए नेम कॉलम. फाइन, ओके, नाउ वी विल रन दिस. तो यहाँ पे देखो हमारे पास रोल नंबर आ गया है और नेम कॉलम आ गया है, राइट. आप pd_sql फंक्शन में क्वेरी को भी एग्जीक्यूट करा सकते हो, राइट. तो मैं अगर क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, आप जैसे एसक्यूएल में क्वेरीज को एग्जीक्यूट कराते हो, सेम वे आप यहाँ पे भी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करा सकते हो. तो मैं यहाँ से टेबल नेम हटा के क्या दे दूंगी, अपनी क्वेरी दे दूंगी, राइट. तो मैंने दे दिया सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स आर ग्रेटर देन 70. वो वाले नेम्स आ जाएं, ठीक है, स्टूडेंट टेबल से जहां पे मार्क्स क्या है 70 से ग्रेटर है, राइट. ओके, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे. अब यहाँ पे देखो आपका रिजल्ट आ गया है, ये आपका रिजल्ट आ गया है, नेम्स आ गए. ओनली नेम कॉलम हमने लिया था, नेम कॉलम, तो हमारे पास नेम आ गया. फाइन, अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट स्टार कर दिया होता नेम की जगह, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ओके, वे मार्क्स ग्रेटर देन 70, वो सारे रिकॉर्ड्स आ जाए जहां पे, वो सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स आ जाए जहां पे मार्क्स किससे ग्रेटर है, 70 से ग्रेटर है. तो आपके पास देखो ये रिकॉर्ड्स आ गए हैं, ठीक है, रोल नंबर 2, 3 एंड 5 का रिकॉर्ड आ गया है जहां पे मार्क्स क्या है 70 से अबव है. ओके, तो एसक्यूएल टेबल में देखो जो 70 वाले थे वो रिकॉर्ड नहीं डिस्प्ले हुए हैं, और जो 70 से अबव थे वो वाले आपके रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए हैं. ओके,
अभी हमने देखा हम डेटा को कैसे इम्पोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम माई एसक्यूएल टू डेटा फ्रेम, राइट। अब आपको डेटा को एक्सपोर्ट करना है, डेटा फ्रेम से आपको माई एसक्यूएल में डेटा एक्सपोर्ट करना है, वो आप कैसे करोगे। एक्सपोर्टिंग डेटा फ्रॉम पांडास टू माई एसक्यूएल बेसिकली रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ पांडास डेटा फ्रेम टू अ टेबल, राइट। तो यहाँ पे हम पांडास डेटा फ्रेम को एसक्यूएल टेबल के अंदर राइट कर रहे हैं। फॉर दिस पर्पज वी हैव द फॉलोइंग फंक्शन, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, पांडास लाइब्रेरी का डेटा फ्रेम डॉट टू अंडरस्कोर एसक्यूएल फंक्शन, ओके, डेटा फ्रेम डॉट टू अंडरस्कोर एसक्यूएल फंक्शन। और इसके अंदर आप कौन से पैरामीटर्स पास करोगे, आप उसके अंदर टेबल का नेम, जिस भी टेबल के अंदर आपका पांडास का डेटा फ्रेम, पांडास डेटा फ्रेम का डेटा जाके स्टोर होगा, राइट होगा, उस टेबल का नाम, ओके, आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट, ओके, इफ एग्जिस्ट पैरामीटर अभी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है, एंड इंडेक्स पैरामीटर, राइट, ओके। टेबल स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द टेबल इन विच वी वॉन्ट टू क्रिएट और अपेंड डेटा फ्रेम वैल्यूज, तो यहाँ पे जो टेबल है वो कौन सी टेबल है जिसके अंदर हम डेटा फ्रेम के डेटा को राइट करना चाहते हैं या अपेंड करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा डेटा उसमें जोड़ना चाहते हैं। इट इज यूज टू राइट द स्पेसिफाइड डेटा फ्रेम टू द टेबल, द कनेक्शन आइडेंटिफायर रिटर्न फ्रॉम द क्रिएट इंजन फंक्शन। तो यहाँ पे जो हमारा एसक्यूएल कनेक्शन क्या है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है जो किसने रिटर्न किया है, क्रिएट अंडरस्कोर इंजन फंक्शन ने रिटर्न किया है, राइट, ओके, ये इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे हमारा पैरामीटर है इफ एग्जिस्ट, इफ अंडरस्कोर एग्जिस्ट पैरामीटर, द पैरामीटर इफ अंडरस्कोर एग्जिस्ट स्पेसिफाई द वे डेटा फ्रॉम द डेटा फ्रेम शुड बी एंटर्ड इन द टेबल। तो ये जो पैरामीटर है वो क्या बताता है कि कैसे डेटा एंटर होगा, डेटा फ्रेम का डेटा एसक्यूएल की टेबल में कैसे एंटर किया जाएगा। इट कैन हैव द फॉलोइंग थ्री वैल्यूज, और इसकी तीन वैल्यूज होती है, फेल, रिप्लेस एंड अपेंड। बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है, फेल। फेल इज द डिफॉल्ट वैल्यू डेट इंडिकेट्स अ वैल्यू एरर इफ द टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द डेटाबेस। जो फेल है वो क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू है, वो क्या बताती है, अगर आपने किसी टेबल का नेम यहाँ पे दिया जो ऑलरेडी एसक्यूएल के अंदर बनी हुई है तो क्या होगा, ये वैल्यू एरर शो कर देगी, राइट। सेकेंड क्या है, रिप्लेस। रिप्लेस स्पेसिफाइज द प्रीवियस कंटेंट्स of the table should be updated by the content of the data frame. अगर आपने if underscore exists के अंदर replace कर दिया तो जो पहली वाली table है same name की उसका data replace हो जाएगा, किस table से, data जो आप new table का data write कर रहे हैं, मतलब जो आप data frame का data table के अंदर write कर रहे हैं वो वाला data उसके अंदर जाके store हो जाएगा और previous data उसमें से delete हो जाएगा, okay। Now append. Append specifies that the content of the data frame should be appended to the existing table and when updated the format must be the same. Append से क्या है, जब आप append use करोगे तो जो भी data frame का आप write कर रहे हो, ओके, वो existing table के below में जाके, मतलब end में जाके append हो जाएगा, join हो जाएगा, ओके, समझ आया। यहाँ पे टेबल क्या है, वो टेबल जहां पर आपके डेटा फ्रेम का डेटा जाके राइट होगा। और एसक्यूएल अंडरस्कोर कौन क्या है, आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट है जो क्रिएट अंडरस्कोर इंजन फंक्शन रिटर्न करता है, ओके, इफ अंडरस्कोर एग्जिस्ट बताता है कि कैसे डेटा स्टोर होगा, राइट। अगर वो पहले से सेम नेम की वहां पे टेबल है तो क्या आ जाएगी, वैल्यू एरर आ जाएगी। अगर आप इफ अंडरस्कोर एग्जिस्ट की वैल्यू रिप्लेस दोगे तो क्या होगा, डेटा रिप्लेस हो जाएगा न्यू डेटा से, ओके, ओके। एंड अगर आप अपेंड देते हो तो क्या होगा, जो न्यू डेटा है वो पुराने डेटा के एंड में जाके ज्वाइन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा क्या है, इंडेक्स, ओके, और इसकी दो वैल्यू है, फॉल्स एंड ट्रू। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स का वैल्यू क्या होती है, ट्रू। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स इज ट्रू मींस डेटा फ्रेम इंडेक्स विल बी कॉपी टू द MySQL टेबल। इसका मीनिंग क्या है, MySQL टेबल में डेटा फ्रेम का इंडेक्स भी कॉपी होगा, राइट, उसका भी एक कॉलम बनेगा। इफ फॉल्स देन इट विल इग्नोर द डेटा फ्रेम इंडेक्सिंग, और अगर आप इसको फॉल्स कर देते हो, बाय डिफॉल्ट तो ट्रू है, मतलब डेटा फ्रेम का इंडेक्स भी MySQL की टेबल में जाके कॉपी होगा, राइट, लेकिन अगर आप इसको क्या कर देते हो, इसको फॉल्स कर देते हो तो इंडेक्स की वैल्यू MySQL की टेबल में स्टोर एज अ कॉलम राइट नहीं होगी, फाइन। अब इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे, ओके, ओके, तो अब हम क्या करते हैं, डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, फिर उसका डेटा हम कहाँ पे राइट करेंगे, हम एसक्यूएल की टेबल में राइट करेंगे। तो ये हमारा ऊपर अबव है, इसमें से हम ये लाइंस कॉपी कर लेते हैं जो क्या है, इसमें भी हमारे को चाहिए, कंट्रोल सी करके हमने ये वाली ले ली है लाइंस, यहाँ पे कंट्रोल बी,
राइट। और यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट करना है आपको, तो एक और हम ले लेते हैं, लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक लाइब्रेरी और इम्पोर्ट कर लेंगे, हमारी NumPy एस एन पी। आपने NumPy लाइब्रेरी को भी इम्पोर्ट कर लिया, फाइन ओके। तो यहाँ पे हमने क्रिएट एंजिन अंडरस्कोर एंजिन फंक्शन से कनेक्शन क्रिएट कर लिया है, और हमारे पास क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया है, ओके एंजिन ऑब्जेक्ट, जिसका जो क्या है कौन, सी ओ एन कौन, फाइन। अब जो मुझे क्या करना है, मुझे डेटा फ्रेम क्रिएट करना है फर्स्ट, ओके डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, फिर उसका डेटा क्या करना है, एसक्यूएल में टेबल में राइट कराना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक वेरिएबल डिक्शनरी, फाइन, और डिक्शनरी के अंदर मैंने ले लिया नेम की, ओके एंड मैं इसका डेटा एस ले लेती हूँ लिस्ट। तो हम यहाँ पे जो डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, किस लिए क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिक्शनरी से क्या बनाना है, हमें डिक्शनरी से बनाना है अपना डेटा फ्रेम। नेक्स्ट आप ले लो इसके अंदर एज, राइट, एंड देन 12, ओके फाइव वैल्यूज यू हैव टेकन। देन हम ले लेते हैं मार्क्स, ओके राइट, दिस इज आवर डिक्शनरी। अब इस डिक्शनरी से हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, df इक्वल टू pd, df हमने वेरिएबल दे दिया, pd स्टैंड फॉर द पांडास, pd ओके पांडास लाइब्रेरी का हमने एलियास नेम pd लिया है, pd डॉट, और पांडास लाइब्रेरी का कौन सा फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे, हम डेटा फ्रेम फंक्शन को यहाँ पे यूज करेंगे डेटा फ्रेम, और इसमें हम पास कर देंगे डिक्शनरी को, फाइन। ये आपने डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया है। अब जो डेटा फ्रेम क्रिएट होगा वो कहाँ जाके स्टोर होगा, df वेरिएबल के अंदर। अब हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट df, ओके इसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ये आपका क्या आ गया, ये हमारा डेटा फ्रेम बन के आ गया है, ओके डेटा फ्रेम आपका क्रिएट हो गया है, फाइन। अब इस डेटा फ्रेम को क्या करना है, हमें इसको एसक्यूएल की टेबल में राइट करना है, फाइन। तो हम क्या करेंगे, df डॉट टू अंडरस्कोर एसक्यूएल फंक्शन, राइट, इसके अंदर हम कोई भी टेबल बना लेते हैं। हमने बना लिया टेबल, जैसे हमने बना लिया टेबल स्टूडेंट वन, ये स्टूडेंट वन मेरे टेबल का नाम है, ओके एंड कौन ऑब्जेक्ट को मैंने पास कर दिया, ओके नाउ अब इसे क्या करना है, इसको रन कराना है, फाइन। अब देखो, अब टेबल के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट, देखो मैं इसको करके दिखाती हूँ, वो एक मिनट इसको मैं ऊपर करती हूँ, सिलेक्ट ओके स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वन आ गया आपका। यहाँ पे स्टूडेंट वन में क्या हुआ है, जो आपने देखो इंडेक्स भी आया है, यहाँ पे हमारा इंडेक्स भी आया है, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होती है, उसकी वैल्यू ट्रू होती है, राइट। अब यहाँ पे देखो आपका ये यही सेम डेटा है, नेम एज मार्क्स, ओके और यही आपका सेम डेटा यहाँ पे आ गया है एसक्यूएल की टेबल में, नेम एज मार्क्स एंड द सेम डेटा, राइट ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपका क्या है, जो आपकी एसक्यूएल की टेबल आई है वहां पे इंडेक्स भी कॉपी होके आया है, ओके ओके। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी टेबल के अंदर एसक्यूएल की टेबल में इंडेक्स ना आए, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसी प्रोग्राम को मैं कॉपी करती हूँ, कंट्रोल सी, राइट ओके। अब मैं इसको
ओके मैंने इसको कॉपी कर लिया। फाइन यहाँ पे मैं टेबल का नेम चेंज कर देती हूँ क्योंकि उस टेबल में ऑलरेडी इंडेक्स क्या हो चुका है, कॉपी हो चुका है। ओके यहाँ पे आपने टेबल का नेम दे दिया स्टूडेंट टू, जिसके अंदर आप इस डेटा पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के डेटा को क्या करा रहे हो, राइट करा रहे हो, राइट। और मैंने यहाँ पे पैरामीटर दिया इफ अंडरस्कोर एग्जिस्ट, राइट, इसकी वैल्यू मैं दे देती हूँ रिप्लेस। अगर इस नेम से आपके पास टेबल है तो उसका डेटा डेटा फ्रेम के डेटा से रिप्लेस हो जाए, राइट। और यहाँ पे मैंने इंडेक्स की वैल्यू दे दी फॉल्स, राइट, इंडेक्स की वैल्यू आपने दे दी फॉल्स, ठीक है। आपने डेटा फ्रेम के डेटा को स्टूडेंट टू टेबल के अंदर क्या कराया, राइट करवाया है। और आपने पैरामीटर पास किया है इफ अंडरस्कोर एग्जिस्ट, अगर ये टेबल पहले से एग्जिस्ट है तो इसका डेटा रिप्लेस हो जाए। और इंडेक्स की वैल्यू आपने कर दी है फॉल्स, मतलब यहाँ पे इंडेक्स कॉपी नहीं होगा। अब इसको आप रन करोगे, राइट। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर देखेंगे, स्टूडेंट वन की जगह हमारी अब टेबल है स्टूडेंट टू सी। अब देखो जो आपका डेटा आया है डेटा फ्रेम का, उसमें क्या है, इंडेक्स नहीं है। जो पहले था उसमें इंडेक्स था, अब जो करंट जो टेबल आई है स्टूडेंट टू, उसके अंदर इंडेक्स की वैल्यू नहीं है। ओके अगर मैं यहाँ पे इफ अंडरस्कोर एग्जिस्ट पैरामीटर की वैल्यू क्या कर देती हूँ, रिप्लेस की जगह अगर कर देती हूँ अपेंड, अपेंड कर दिया मैंने, तो क्या होगा, जितनी बार मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी उतनी बार ही डेटा फ्रेम का डेटा आपकी टेबल के अंदर अपेंड होता जाएगा, मतलब उसके अंदर ज्वाइन होता जाएगा। तो एक वन टाइम तो हम इसको एग्जीक्यूट करा चुके हैं, अब सेकंड टाइम एग्जीक्यूट कराते हैं इसको। आपने सेकंड टाइम इसको एग्जीक्यूट कराया, तो अब मैं टेबल को देखो क्या करती हूँ, फिर से करती हूँ। देखो अब यहाँ पे देखो ये सेम डेटा, अर्जुन प्रणव गी स्नेहा, अगेन अर्जुन रोहन, अर्जुन प्रणव गी स्नेहा रोहन, ये आपका सेम डेटा क्या हो गया, अपेंड हो गया, राइट। तो आप जितनी बार भी इसको एग्जीक्यूट कराओगे, ओके, उतनी बार ही क्या होगा, उतने बार ही वो अपेंड होता जाएगा आपका डेटा। Okay everyone, if you like my video, please like it, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.